एलिस्टर। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी लोग जुड़े क्लास में, फिर हम स्टार्ट करते अपने सेशन को। फटाफट से जुड़ जाएं एक बार। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया हैं? चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का ये भी ऑनलाइन क्लासेस में। तो स्टार्ट करते हैं हम सेशन को बिना देरी करते हुए। सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दें विद्यार्थियों। आज हमारा कोर्सेज पर लास्ट दिन है भाई, जिसपे कि आपको पूरा डिस्काउंट दिया गया है। उसके बाद कल से आपका टोटली जो जिस तरह से प्राइस है, जो भी कोर्सेज में वही उसी प्राइस में रहेगा। आज बस आपका ऑफ है, लास्ट दिन है। 4 अगस्त से आपका चल रहा था ये ऑफ, 4, 5 और 6 तीन दिन का था ये। बहुत ज़्यादा ऑफ किया गया है, 70 से 80% तक लगभग, ठीक है ना, 70 to 80%। तो इसके बाद अनपब्लिश किया जा रहा है इन कोर्सेज को, जितने भी हैं। गुड मॉर्निंग जी, ठीक है। तो सभी लोग शेयर कर दें एक बार क्लास को, जैसे कि आपको पीपीएससी के लिए पढ़ना है, एसएससी, जेई, रायर, एसएमएसपी, जेई के लिए। चलिए शुरू करते हैं। आज काफ़ी सारा क्वेश्चन आपका फ्लूइड मैकेनिक्स को देखने को मिलेगा आपको। चलिए सभी फटाफट से सभी लोग शेयर कर दें एक बार क्लास को। अब काफ़ी सारा क्वेश्चन आज फ्लूइड मैकेनिक्स का है भाई, ठीक है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स का काफ़ी क्वेश्चन है, तो ज़रूर देखेंगे इसमें। आज पता नहीं स्क्रीन इसमें काम नहीं कर रही। चलो खैर, मैं इस पर आपको कोशिश पूरी करूँगा। बताओ जरा, जवाब करो फटाफट से सभी लोग। गुड मॉर्निंग जी। लेमिनार फ्लो हमेशा किस में अकर करता है, ये आपको जवाब करना है। तो डियर स्टूडेंट, आप बताओ जल्दी से, लेमिनार फ्लो जनरली किस में अकर करता है? वेरी गुड मुकेश गुप्ता, जो है लोअर वेलोसिटी में ये अकर करेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर लोअर वेलोसिटी में ये अकर करेगा, सभी लोगों का आंसर हो जाना चाहिए करेक्ट। इफ द रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन द 2000, द फ्लो इन द पाइप इज टर्बुलेंट, टर्बुलेंट लेमिनार ट्रांजिशन। बताओ जरा जल्दी से, ठीक है ना। सभी लोग शेयर कर दें जरा क्लास को एक बार, सभी लोग शेयर कर दें, फिर मैं आपको और भी क्वेश्चन कराता हूँ। इंजीनियर समी सर, हिंदी में पेपर नहीं आता है क्या? नहीं भाई, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन का मतलब ये है कि रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 2000 है, तो इसको क्या कहते हैं, ठीक है ना। आज बेसिक क्वेश्चन ही है, तो फटाफट से जवाब करें। इसको बोलते हैं आप क्या? लेमिनार फ्लो। इसको क्या बोलते हैं आप? लेमिनार फ्लो। अगर आप 4000 से ज़्यादा जाते हैं तो टर्बुलेंट फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट से जवाब करते रहें। विच अमोंग द फॉलोइंग इज अजम्पशन ऑफ हैगन पॉज़ली इक्वेशन। अगर आपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा है तो हैगन पॉज़ली इक्वेशन जो होता है, ठीक है, गुड मॉर्निंग जी, हैगन पॉज़ली इक्वेशन जो होता है, तो उसमें क्या अजम्पशन, मतलब कि किस फ्लो को लेके चलता है, किस फ्लो के लिए हैगन पॉज़ली इक्वेशन होती है प्रूफ। और वो एक्चुअली में आप जानते हैं कि हेड लॉस के लिए फॉर्मूला निकलता है, लेकिन किस इक्वेशन के लिए वो प्रूफ होती है, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि किस फ्लो के लिए, टर्बुलेंट, लेमिनार, यूनिफॉर्म और कंप्रेसिबल। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो लेमिनार फ्लो के लिए ये इक्वेशन प्रूफ होती है, किसके लिए जी? लेमिनार फ्लो के लिए। किसके होता है डियर स्टूडेंट? लेमिनार फ्लो के लिए हैगन पॉज़ली इक्वेशन प्रूफ होती है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका? सी ऑप्शन जो है कंप्लीटली सही हो जाएगा, ठीक है। फ्रिक्शन फैक्टर से आप क्या समझते हैं? विच अमोंग द फॉलोइंग डज नॉट डिपेंड्स ऑन, डज नॉट बोला है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्शन फैक्टर, डज नॉट डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्शन फैक्टर। जरा बताओ जल्दी से, डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रिक्शन फैक्टर, बताओ जरा।
आज थोड़ा सा ये स्क्रीन काम नहीं कर रहा भाई, कोई बात नहीं, ठीक है ना। बताओ जरा, एक काम करता हूँ मैं, आपको बोर्ड पे समझा दूंगा, नहीं तो काफी चीजें ना छोटी छोटी चीजें जैसे बोर्ड पर समझा दूंगा, आप जवाब करो तब तक। खैर बताओ जरा, वेट होगा ना, वेरी गुड। तो वेट आपका क्या होगा, ऑप्शन होगा बढ़िया से, ठीक है ना। वेट ये आपने पढ़ा होगा, इधर देख रहे हैं आप थोड़ा सा इसको, जो फ्रिक्शन फैक्टर होता है एक्चुअली में जब हम हेड लॉस पढ़ते हैं, एच एफ इज इक्वल टू एफ, एच एफ इज इक्वल टू क्या पढ़ते हैं हम, एच एफ इज इक्वल टू 4FLV² / 2G पढ़ते हैं ना, याद है कि नहीं है या भूल गए। 4FLV² / 2 × G × D, ये है आपका इक्वेशन। तो यहां पर आपका केवल वेट का टर्म्स ही होगा जो कि डिपेंड नहीं करेगा, केवल वेट, केवल वेट। तो वेट का मतलब हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विच अमोंग द फॉलोइंग फॉर्मूला आर इज, ये तुम्हारा स्क्रीन दिख रहा है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ जरा। अरे बताओ भाई, स्क्रीन से रिलेटेड कोई टेंशन तो नहीं है, मतलब कि सब कुछ दिख रहा है ना परफेक्टली, जवाब करो। हाँ ये लो, अब बताओ। चलो अब ठीक है ना, जवाब करो। 64/ अरे दिख सही रहा है बढ़िया से, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा स्क्रीन काम नहीं कर रहा था, इस वजह से मुझे थोड़ा बोर्ड पर बताना पड़ रहा है। चलो कोई बात नहीं, आप जवाब करो, बस मेन चीज है कि जवाब करो आप दमादम। 64/RE, जल्दी से जवाब करो विद्यार्थियों। 64/RE जो कि हो जाएगा, जो कि होगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डियर स्टूडेंट बी, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी होगा, ठीक है। चलिए जी फटाफट से जवाब करें, तब तक आगे बढ़ें, फटाफट से आगे बढ़ते रहें, जवाब भी करते रहें, फटाफट से जवाब करते रहें। डार्सी वेस्विक इक्वेशन गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन द, गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन, किन दोनों के बीच में रिलेशन देता है, डार्सी वेस्विक इक्वेशन है, डार्सी वेस्विक इक्वेशन है, किन दो चीजों के बीच में रिलेशन देता है, बताओ जरा। अभी जस्ट पहले मैंने बताया था आपको, जरा बताओ फटाफट से, बताओ जल्दी से, बताओ भाई। डार्सी वेस्विक इक्वेशन दो चीजों पर रिलेशन देता है, वो क्या है, सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दें भाई, है ना, शेयर करना बहुत जरूरी है। सेवन में सी कर रहे हैं, ऑब्वियसली सी ऑप्शन होगा, हेड लॉस और प्रेशर लॉस, हेड लॉस और प्रेशर लॉस दो चीजों पर डिपेंड करेगा, ये दो रिलेशन देगा ये, प्रेशर लॉस और हेड लॉस। इस बात को समझें कि हेड लॉस और प्रेशर लॉस कैसे हुआ है, कैसे हुआ है हेड लॉस और प्रेशर लॉस, इस बात को समझें या नहीं समझें, बताओ जल्दी से बताओ, ज्यादा रुकना नहीं है। नहीं समझे सर हम, बोलो फटाफट से। अरे एच एफ एल दो ही चीजें तो रिलेशन देता है, प्रेशर लॉस और हेड लॉस, ठीक है ना। जब आपका हेड लॉस होगा तो इसका मतलब प्रेशर एनर्जी लॉस है, हाँ। चलो आगे क्वेश्चन पर जवाब करते हैं हम। रेनॉल्ड नंबर इज एन इंडिकेशन ऑफ, रेनॉल्ड नंबर इंडिकेशन ऑफ, लार्ज रेनॉल्ड नंबर है, लेकिन ये है आपका लार्ज रेनॉल्ड नंबर, ये जरूर ध्यान रखना, लार्ज रेनॉल्ड नंबर इंडिकेशन ऑफ, ठीक है ना। आज शाम वाला सेशन में जरूर रहेगा भाई, श्याम आज हम 150 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपका DSSSB, ठीक है ना, दिल्ली सबॉर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जो एग्जाम हुआ था जेई का, जो कि 19 मार्च को हुआ था, उसका मैं सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। चलो जी खैर जवाब करो आप फटाफट से,
क्या हो जाएगा इसका जवाब, बोलो जल्दी से। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। टर्बुलेंट फ्लो होगा ये तो, है ना, क्योंकि 2000 ज्यादा है, इसका मतलब आपका टर्बुलेंट फ्लो है सीधे सीधे। ये तो आंसर आ गया सर, आराम से, ये तो टर्बुलेंट फ्लो हो गया सर, है ना, इसमें तो कुछ रुकने का जरा था ही नहीं, ये हो गया सर टर्बुलेंट फ्लो। ये क्या हो गया, टर्बुलेंट फ्लो। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो का एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना है कि कौन कौन सा होगा, दिखाओ जरा जल्दी से, कौन कौन सा होगा बताओ भाई, बताओ जल्दी से बताओ। क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ लेमिनार फ्लो। अंडरग्राउंड फ्लो भी हो सकता है, फ्लो पास टिनी बॉडीज, ठीक है ना, फ्लो ऑफ ऑयल इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये भी हो सकता है, और फाइनली ऑल ऑफ दीज आपका आंसर होगा। तो ये हो जाएगा आपका फाइनली लास्ट क्वेश्चन, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा आपका आंसर ऑल ऑफ दी अबव, मतलब कि डी ऑप्शन कंप्लीटली सही हो जाएगा। अ फ्लो इन विच फोर्स इज डोमिनेट ओवर द विस्कोसिटी इज कॉल्ड एज, इज कॉल्ड एज, बताओ जरा जल्दी से जवाब करें। यहां पर क्या बोला है, कॉल्ड एज टर्बुलेंट फ्लो, है ना, बताओ क्या करोगे यहां पर जवाब फटाफट से। फ्लो इन विच फोर्स इज डोमिनेटिंग ओवर द विस्कोसिटी कॉल्ड एज विस्कस फोर्स, इनर्शिया फोर्स, बताओ जरा। विस्कोसिटी के प्रीडोमिनेट होगा तो ये इनर्शिया फोर्स होगा, ऑब्वियसली आप जो लोगों का जवाब हो गया इनर्शिया फोर्स। ये आप इस तरह से भी दिमाग लगा सकते हैं, क्योंकि आपका जो रेनॉल्ड नंबर होता है भाई, रेनॉल्ड नंबर जो होता है हमारे पास, रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, आप जो रेनॉल्ड नंबर पढ़ते हैं आर ई, तो आर ई इज इक्वल टू, यही तो पढ़ते हैं आपकी इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स, और इसी के बेस पर आप पता लगा पाते हैं, इसी के बेस पर आप पता लगाते हैं कि रेनॉल्ड नंबर अगर आपका लेस देन 2000 हो तो आपका लेमिनार फ्लो, और रेनॉल्ड नंबर अगर आपका 2000 से ज्यादा हो, 4000 से ज्यादा हो, तो वो टर्बुलेंट फ्लो, है ना, समझ गए बात को, वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये आपको पता लग गया। आगे आते हैं लेमिनार, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बोला ये मैंने आपको फिगर भी दिया है, आप घबराए नहीं इससे। लेमिनार फ्लो थ्रू अ सर्कुलर पाइप वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एट द सेंटर, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एट द सेंटर, क्वेश्चन नंबर 11, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एट द सेंटर, सेंटर पर क्या होगा, सेंटर पर होगा डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटी का, तो ये क्या होगा, जल्दी से जवाब करो, जैसे ही एक भी जवाब आता है मैं तुरंत आंसर क्लिक कर दूंगा, बताओ जरा। वेरी गुड वेरी गुड प्रेरणा जाकर, वेरी गुड। तो ये आपका हो जाएगा मैक्सिमम, आप देख पा रहे हैं फिगर में कि आपके वॉल्स पे जो है पाइप के जो वॉल है इनमें जीरो है वेलोसिटी और मैक्सिमम है बीच में, मैक्सिमम है बीच में, वेरी गुड। नेक्स्ट आते हैं, डार्सी वेस्विक फॉर्मूला यूज फॉर द कैलकुलेट हेड लॉस, कैलकुलेट द हेड लॉस, जल्दी से जवाब करें। डार्सी वेस्विक फॉर्मूला यूज फॉर द कैलकुलेट द हेड लॉस ड्यू टू द विस्कस फ्रिक्शन बोथ ए एंड बी, ठक से जवाब करो, ठक से जवाब करो। क्वेश्चन नंबर 12, वेरी गुड। सबसे पहले देखते हैं किसका जवाब आता है, जवाब करो। डार्सी वेस्विक फॉर्मूला यूज फॉर द कैलकुलेट हेड लॉस, बताइएगा जी, हेड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए आप जो फॉर्मूला यूज करते हैं डार्सी वेस्विक, बता, अरे बताओ जी, अरे बोध कैसे होगा भाई साहब, बोध कैसे होगा, डार्सी वेस्विक फॉर्मूला आप जानते हैं कि नहीं जानते, नहीं जानते हो ना, तभी आपने गलत आंसर कराया। क्या बोला था आपको डार्सी वेस्विक फॉर्मूला, डार्सी वेस्विक फॉर्मूला मैंने कई बार आपको जीवन में लिखा रखा है, बताइएगा। डार्सी वेस्विक फॉर्मूला जो कि आपका हेड लॉस के लिए होता है, और हेड लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन मेजर लॉस, दिस इज कैलकुलेटेड बाय 4FLV² / 2G, दिस इज द डार्सी वेस्विक फॉर्मूला, दिस इज द डार्सी वेस्विक फॉर्मूला। एज पर डार्सी वेस्विक फॉर्मूला द मेजर लॉस ड्यू टू द ओनली ऑन बाय फ्रिक्शन, ओनली ऑन बाय फ्रिक्शन, तो आप कौन लोग ए बी कर रहे हैं भाई, इतना जा रहा बार मैंने आज क्वेश्चन को कराया है, केवल फ्रिक्शन होगा। आगे चलते हैं, इस बात इस क्वेश्चन को तो हम शायद कर दिए हैं, कर दिए हैं क्या, चलो। रैगन पॉजली क्वेश्चन जो है, हेड लॉस जो दिया गया किसके लिए दिया गया,
टर्बुलेंट फ्लो, लेमिनार फ्लो, या बताओ बोथ ए एंड बी। हैगन पॉजली क्वेश्चन फॉर द हेड लॉस इज वैलिड फॉर वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी से बताओ, वैलिड फॉर ओनली ऑन लेमिनार फ्लो, वेरी गुड। तो ये केवल आपका होगा लेमिनार फ्लो, ओके, ये लेमिनार फ्लो होगा, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, डार्सी विस्मिक फॉर्मूला फॉर द हेड लॉस, क्या फॉर्मूला है, अभी रटा आपने 4FLV² / 2ZD, यही पढ़ा था क्या, मतलब कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये छोटे छोटे बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, तो 4FLV² / 2ZD ये है भाई, है ना। चलिए आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़िएगा जरा ध्यान से और फिर आप जवाब करें। ये लो पढ़ लो अब क्वेश्चन को, जरा ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15, मैच करना है एक लिस्ट दूसरा लिस्ट, जल्दी जवाब, स्टॉक लो, हैगन पॉजली क्वेश्चन, पास कर लो, ये आप दिमाग लगा सकते हैं वैसे, बताओ जरा फटाफट से क्वेश्चन नंबर 15 क्या होगा। बताओ 15 का बी ऑप्शन कर रहा है प्रेरणा, रंजीत सिंह जी ने भी बी किया है, मतलब कि सही दिमाग आप लगा रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। इसका आंसर जो है डियर स्टूडेंट एग्जैक्टली आप सभी लोगों ने जवाब सही किया है, आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। देखो हेल सॉफ और फ्लो जो हमारा होता है ये होता है आपका लेमिनार फ्लो बिटवीन द पैरेलल प्लेट, ठीक है ना, मतलब कि यहां से आप जाएंगे ये, ओके। स्टॉक लॉ की बात किया जाए तो ये सेटलिंग ऑफ द फाइन पार्टिकल के लिए होता है, ठीक है ना, माइक्रोन में जो पार्टिकल होता है 2 माइक्रोन उसके नीचे। हैगन पॉजली इक्वेशन जो बात किया जाए तो लेमिनार फ्लो इन द ट्यूब, वेरी गुड। और पास्कल लॉ तो आप जानते ही हैं जी, सरफेस ऑफ इक्वल प्रेशर लाइन, ठीक है ना, इक्वल प्रेशर लाइन, वेरी गुड। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन फैक्टर, जल्दी से बताइएगा, फ्रिक्शन फैक्टर निकालना, तुरंत बताओ, ज्यादा रुकना नहीं है, फ्रिक्शन फैक्टर का वैल्यू बताना आपको, जल्दी से बताओ फ्रिक्शन फैक्टर कैसे आप निकालते हो, अभी फॉर्मूला भी बताया था आपको, कैसे कैलकुलेट करोगे, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन फैक्टर फॉर द लेमिनार फ्लो, लेमिनार फ्लो जल्दी से बताओ जी, बताओ फाइंड द फ्रिक्शन फैक्टर फॉर द लेमिनार फ्लो, नहीं बताओगे। क्वेश्चन नंबर 16, वेरी गुड, 16 का जवाब करो, क्वेश्चन को कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना, क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के पड़ेगा। 16 में बी ऑप्शन किया है तो मतलब कि एफ इज इक्वल टू, आप जानते हैं इधर देखें थोड़ा सा कि F इज इक्वल टू, आप जानते हैं कि ये होता है 64/RE, ये होता है क्या 64/RE, तो यहां पर आपने बस कुछ नहीं करना है, 64/RE मतलब कि आपको चाहिए फ्रिक्शन फैक्टर और 64/RE। अब यहां पर टेंशन क्या है, बोला ये गया है कि मिनिमम वैल्यू, तो फ्रिक्शन फैक्टर का मिनिमम वैल्यू तब आएगा जब आप रेनॉल्ड नंबर का मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे, ये देखो रिलेशन देखो, फ्रिक्शन फैक्टर का मिनिमम वैल्यू कब आएगा जब आप रेनॉल्ड नंबर का मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे, है ना, और मैक्सिमम वैल्यू रेनॉल्ड नंबर का आपको पता है कि 2000 होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि रेनॉल्ड नंबर लेस देन 2000 तब जाके आप लेमिनार फ्लो कहेंगे, क्योंकि वहां पर साफ साफ लिखा है कि फ्लो आपका कौन सा है, लेमिनार है, आप देखो लैंग्वेज को देखो, फ्लो कौन सा है, लेमिनार है, तो मतलब कि आपका समझ आ गई बातें, तो 2000 रखना पड़ेगा तब जाके आएगा ये, तो 0 पॉइंट कितना आ रहा है, 0.32 आ रहा है ना, वेरी गुड, तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, शियर स्ट्रेस इन फुली डेवलप्ड लेमिनार फ्लो इन अ सर्कुलर पाइप, बताइएगा शियर स्ट्रेस, अगर आप शियर स्ट्रेस वेरिएशन जानते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन जानते हैं, तो आपका जवाब तुरंत आ जाना चाहिए, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बताओ फटाफट से, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखिएगा, अगर हम शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो शायद आपको पता हो ये कुछ इस तरीके से बनता है डियर स्टूडेंट, ऐसा ऐसा और ऐसा, यही बनता है क्या, इसके बेस पर आप क्या पढ़ पा रहे हैं, मतलब कि मैक्सिमम कहां पर है, आपको इधर नहीं दिख रहा ना, चलो मैं इसको हटा दे रहा हूं, लो अब देखो, ये देखो मैक्सिमम देखो कहां पर है, वॉल्स पर, और मैक्सिमम मिनिमम कहां है, सेंटर, जीरो कहां पर है, सेंटर पर है। तो अभी आपको पूछा गया है फुली लेमिनार फ्लो, शियर स्ट्रेस इन द फुली डेवलप्ड लेमिनार फ्लो डेवलप्ड मैक्सिमम एट द पाइप वॉल, पाइप वॉल पर जो है मैक्सिमम है, तो सी ऑप्शन कंप्लीटली सही हो जाएगा। जरा बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब,
रेंज ऑफ द कॉफिशेंट ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ अ वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर आप जानते हैं कि उसके लिए कॉफिशेंट ऑफ डिस्चार्ज का रेंज क्या रहेगा। हाँ क्या रहेगा, 0.95 से लेकर 0.99 की रेंज में रहेगा ना। अरे क्यों जी इतना समय क्यों लगा रहे हैं, वेरी गुड, डी ऑप्शन हो जाना चाहिए। यहां पर कंप्लीटली आपका क्या हो जाएगा, जी डी ऑप्शन जो है कंप्लीटली सही हो जाएगा, ये हो गया आपका डी ऑप्शन। ठीक है नेक्स्ट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर। देखिएगा अलग अलग वैल्यू आता है अल्फा का, काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर का अलग अलग वैल्यू आता है, ठीक है ना। खैर जवाब करो आप जल्दी से, फुली डेवलप देखो लेमिनार फ्लो है और सर्कुलर पाइप है, अल्फा का वैल्यू वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया। यहां पर आपका सी ऑप्शन हो जाता है डियर स्टूडेंट, बिल्कुल आराम से आपका ये हो जाएगा आपका टू। यूलर इक्वेशन से आप क्या समझते हैं, यूलर नंबर नहीं बोला भाई, मैं बता दूं आपको यूलर नंबर नहीं बोला है बल्कि यूलर इक्वेशन बोला है। जवाब करो, यूलर इक्वेशन नहीं बोला है बल्कि यूलर इक्वेशन बोला है बल्कि यूलर नंबर नहीं कहा है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 20, नहीं जी 1/1.33 जो होता है ना, जो आप कह रहे हैं संतराज जाटव जी, 4/3 जो आप कह रहे हैं 1.33 वो आपका टर्बुलेंट फ्लो के लिए होता है, सर्कुलर पाइप टर्बुलेंट फ्लो तब जाके उसको रखते हैं। चलो खैर फिलहाल आप जवाब करो, यहां पर अभी जवाब करो जरा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 20 में डी कर रहे हैं बोथ ए एंड बी। ऑब्वियसली आप जानते हैं कि दो तरह का जब फोर्स को कंसिडर किया जाए टोटली, जब आप न्यूटन्स लॉ में एफ इज इक्वल टू जब आप करते हैं एम ए, तो यहां पर ग्रेविटी फोर्स दिख तो रहा है ना आपको, यहां तक इधर नहीं दिख रहा है सर, ग्रेविटी फोर्स प्लस जब आप प्रेशर फोर्स लिखते हैं दैट इज इक्वल टू एम ए, तो इसी इक्वेशन को बोला जाता है डियर स्टूडेंट यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या बोला जाता है, यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना, यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन इसको कहा जाता है। समझ गए बात को, अरे समझे नहीं समझे, तो मतलब कि दोनों बोलेंगे आप प्रेशर फोर्स और ग्रेविटी फोर्स, मतलब कि ए और बी दोनों ही आपका कंप्लीटली सही हो जाएगा, जिस वजह से आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ये डी वाला सही हो जाएगा। खैर आगे चलते हैं, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज रेक्टेंगुलर, द काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर, बताओ जरा जल्दी से बोलो ये किसकी बात कर रहा है एक्चुअली में, काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर क्या लगेगा इफ द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज रेक्टेंगुलर, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में जवाब करो भाई। चलिए क्या हो जाएगा यहां पर डियर स्टूडेंट, अगर हम देखें अगर ध्यान से, तो होता क्या है कि यूनिटी होगा, क्या होगा यूनिटी होगा, क्योंकि यहां पर रेक्टेंगल बनने का मतलब यह है कोई लॉस नहीं है, यूनिटी बनेगा। वन ट्रैपेजॉइडल वेयर है, साइड आर इनक्लाइंड आउटवर्ड विद द स्लोप, जरा जवाब करो यहां पर क्या हो जाएगा, ट्रैपेजॉइडल वेयर जो सिपुलेटिव वेयर होता है एक स्पेशल टाइप का, तो वहां पर जो साइड स्लोप है इनक्लाइंड में वो क्या रेंज रहता है, याद होना चाहिए आपको क्या होना चाहिए बताओ जरा, 1:3, 1:4, 1:4 एंड 1:5, 1:8 नहीं बताओगे, हाँ एग्जैक्टली ये हो जाएगा आपका 1:4। बताओ जरा फॉर्मूला याद होगा अगर आपको, वी नॉच का मतलब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं, फॉर्मूला याद आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। वी नॉच का मतलब कुछ इस तरह से होता है भाई ये, ठीक है ना, मतलब कि 90 डिग्री पर इसको आप वी नॉच इसलिए कहते हैं, वी शेप होता है, इसी को हम क्या कहते हैं राइट एंगल नॉच भी कहते हैं, 90 डिग्री है इन दोनों के बीच में, ठीक है ना।
ये पोर्शन के बीच में ऐसा और ऐसा, ठीक है ना, 90 डिग्री। तो बताया गया इसके लिए जो वी नॉच है, ये इसको ट्रायंगुलर नॉच कहें आप या राइट एंगल नॉच कहें, इसके लिए जो फॉर्मूला आता है आपका क्या आता है जल्दी से बताएगा, बोलो जल्दी से क्या फॉर्मूला आएगा, जल्दी से बोलो फटाफट से। 8/15 सी डी इंटू एल, एल नहीं छूटा, एल छूटा यहां पर, इंटू सॉरी 8/15 सी डी 2g इंटू एस टू पावर 5/2, कुछ नहीं छूटा, सब कुछ लिखा है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर डी ऑप्शन, है ना, डी ऑप्शन हो जाएगा विद्यार्थियों। चलिएगा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 जवाब करो इसका, 24 में जवाब करो, आ जाएगा आपका जवाब। डिस्चार्ज ओवर द रेक्टेंगुलर नॉच, अब जिन लोगों को फॉर्मूला पता होगा तो वही इसका जवाब कर पाएगा, रेक्टेंगुलर नॉच का फॉर्मूला जल्दी से बताओ, रेक्टेंगुलर नॉच के लिए फॉर्मूला कितने लोगों को पता है। क्वेश्चन नंबर 24 में जवाब करें, उसके बाद मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे लिख रहा हूं। वेरी गुड, क्या होता है फॉर्मूला, अरे सबको याद होना चाहिए भाई, इतना क्यों सोचते हैं, है ना, याद होना चाहिए। 2/3 सी डी कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, बी विड्थ उसका, बी अंडर रूट ऑफ 2g, यही होता है क्या, वेरी गुड, अंडर रूट ऑफ 2g इंटू एस टू पावर 3/2, ये है फॉर्मूला। जिन लोगों को ये फॉर्मूला पता रहा होगा याद आ गई होगी कहानी, ये देखो ये है फॉर्मूला डिस्चार्ज का। तो आप बोलेंगे एस टू पावर 3/2, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस टू पावर 3/2, है ना, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस टू पावर 3/2, ये हो जाएगा आपका फाइनली, कौन सा ऑप्शन हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो रहा है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो बी ऑप्शन कंप्लीटली सही हो जाएगा, आप सभी लोगों का सही जवाब मिलता है यहां पर, ये हो गया आपका बी ऑप्शन। ठीक है, आगे चल रहे हैं। शीट ऑफ वाटर फ्लोविंग ओवर अ नॉच और वेयर इज नोन एज, उस फ्लोविंग शीट को क्या कहते हैं जो पानी के ऊपर बनता है टॉप में, बताओ जरा, वेयर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 25, नेपी इसको बोला जाता है, नेपी बोला जाता है इसको, नेपी कहें या वेन कहें, ठीक है ना, नेपी और वेन इसको बोला जाता है, वेरी गुड। आगे चलते हैं, रेनॉल्ड नंबर लेस देन अगर 500 होता है तो इसको क्या बोला जाता है, 500 से कम हो तो क्या होगा, जरा जवाब करो, 500 से कम होगा तो इस फ्लो को क्या बोला जाता है डियर स्टूडेंट, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 26, तुरंत जवाब करो, तुरंत, ज्यादा देर नहीं करना है, ये ओपन चैनल फ्लो का क्वेश्चन है, ओपन चैनल में बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 26 जल्दी से बोलो फटाफट से, वेरी गुड, प्रेरणा जी का सबसे पहला आंसर आ रहा है, ये हो जाता है लेमिनार फ्लो। चलिएगा, लेमिनार फ्लो थ्रू अ सर्कुलर पाइप शियर स्ट्रेस एट द सेंटर, बोला गया है, अभी जस्ट पहले हमने इस पर डिस्कस भी किया था कि लेमिनार फ्लो एट सर्कुलर पाइप है, तो शियर स्ट्रेस जो सेंटर पे होगा वो क्या होगा, बताओ जरा, मैं डिस्ट्रीब्यूशन बना के दिखा देता हूं आपको, डिस्ट्रीब्यूशन बना के दिखा देता हूं, बताओ जरा, डिस्ट्रीब्यूशन बना के दिखा देता हूं, ये कुछ ऐसा ऐसा और ऐसा ये रहेगा, ठीक है ना, मतलब कि जीरो रहेगा सेंटर पे, क्या रहेगा, जीरो रहेगा, शियर रेजिस्टेंस जीरो रहता है, वेरी गुड। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इस क्वेश्चन का जवाब करें, इस क्वेश्चन पर जवाब करें, वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से कर दोगे इसमें। हैड लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन, फॉर्मूला रखना है, तुरंत जवाब आ जाएगा। वेरी गुड, फॉर्मूला रखना है, तुरंत जवाब आ जाएगा। देखो यहां पर फॉर्मूला जो हेड लॉस का होता है वो होता है 4FLv² / 2gd, है ना, होता है कि नहीं होता है? समझते हैं, तो यहां पर आपको वैल्यू तो रखनी है, देखो 4 तो अपनी जगह है, f का वैल्यू जो दे रखा है उसने 0. का कितना दे रखा है, 0.05 है, लेंथ जो है उसने 15 किलोमीटर दिया है, तो उसको चेंज करना पड़ेगा मीटर में, तो 15,000 कर दो मीटर में, 1000 का मल्टीप्लाई करके, ओके, यहां तक तो दिखेगा अच्छा। और v स्क्वायर का मतलब है कि 1 का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ g, g का वैल्यू है 9.81, और डायमीटर जो है किसमें दिया है, ये भी आपका मीटर 1 मीटर में, तो इसको भी चेंज करने की जरूरत नहीं है,
ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने ये सॉल्व कर दिया, इसका जवाब देखो यहाँ पर, ये देखो आप इसको थोड़ा सा मैंने सॉल्व कर दिया, ये देखो ठीक है ना, ये देखो सॉल्व कर दिया, तो इसका जवाब देखो आप कहाँ कितना मिलेगा बताओ जरा, इसको सॉल्व करो। तो यहां से इसको सॉल्व करके जो मिलेगा यहां पर, तो ये कितना आ रहा है जरा जल्दी से बताओ, 15.29 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन है। तो किसी ने किया था इसका जवाब, किसी ने किया था, नहीं किया था सर, हमारे बस का नहीं है ऐसा क्या, सभी ने किया था भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चलो। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द लेबोरेटरी शुड बी, जब हम ह्यूमिडिटी की बात करते हैं, ये क्वेश्चन मैंने कराए हुए क्वेश्चन है ठीक है ना। आज बहुत सारे क्वेश्चन रिवीजन के क्वेश्चन हैं, कुछ नए क्वेश्चन नहीं थे, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कल पेड क्लास में जो कराए थे वही क्वेश्चन है फ्लूइड मैकेनिक्स का, बहुत सारे क्वेश्चन जो है मैंने रिवीजन है ये एक तरह से। आज जो हमारा प्योरली न्यू क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा आज का क्लास कब, 5 बजे से, 5 to 8 PM, 5 PM to 8 PM, ये क्लास 3 घंटे का क्लास है आज ठीक है ना। 19 मार्च 2021 को जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन, तो ए ऑप्शन आपका सही है भाई, ये आपका डेटा बेस क्वेश्चन है, चलिएगा जल्दी से जवाब करें, वेरी गुड। आगे चल रहे हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द हैवी ड्यूटी ब्रिक एज पर द आईएस कोड 2980/1962 शुड बी नॉट लेस देन, इससे कम नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम बोला जा रहा है, जवाब करो। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा ये, वेरी गुड, ये हो जाएगा आपका 414 kg/cm², ये होगा क्या, वेरी गुड। एक और होता है इसको 44 N/mm² भी कह सकते हैं यूनिट में, और एक दूसरा होता है हैवी ड्यूटी में 45, जिसको आप 450 भी कह सकते हैं, चलेगा। व्हेन अ माइल्ड स्टील स्पेसमैन फेल इन द टॉर्जन, टॉर्जन में फेल होगा किस तरह से, लाइक फ्रैक्चर लुक लाइक, किस तरह से दिखेगा, माइल्ड स्टील है लेकिन, माइल्ड स्टील है लेकिन, ध्यान रखना माइल्ड स्टील है, मतलब कि आपका डक्टाइल मटेरियल है, और डक्टाइल मटेरियल जब टॉर्जन में फेल होता है, ट्विस्टिंग जब लगती है, तो वो किस तरह से दिखेगा आपका, 90 डिग्री पर फेल होगा 45 डिग्री पर, जल्दी से बताओ, ट्विस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 31, जवाब नहीं आया अभी किसी का, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। तो ये आपका जो है 90 डिग्री पर फेल होगा, पूरा ट्विस्ट कर देगा, मरोड़ देगा 90 डिग्री पर। इस प्रॉपर्टी को पढ़ो, कौन सी प्रॉपर्टी है, एलोट्रॉपी, थिक्सोट्रॉपी, आइसोट्रॉपी या एनिसोट्रॉपी, बताओ जरा जवाब करो। थर्टी टू में नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी, यहां पर आपका ये थिक्सोट्रॉपी प्रॉपर्टी की बात हो रही है डियर स्टूडेंट, इसकी बात हो रही है थिक्सोट्रॉपी प्रॉपर्टी की बात हो रही है, ये क्या है, थिक्सोट्रॉपी है ठीक है ना। शियर स्ट्रेंथ पहले रिगेन गेन, पहले तो वह लॉस करता है जब उसको बाहर निकालते हैं, एक्सक्रीवेट किया जाता है सॉइल को, और धीरे धीरे जो है एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट जो है उसमें जो है धीरे धीरे उसमें कॉम्पैक्टनेस आती है या शियर स्ट्रेंथ बढ़ती रहती है, तो उसको कहते हैं थिक्सोट्रॉपी प्रॉपर्टी, उसी प्रोसेसिंग को। स्टार एंड ग्रिड पैटर्न, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न बताओ जरा किस प्लान के अकॉर्डिंग लिया गया, क्वेश्चन नंबर 33, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न ऑफ रोड नेटवर्क वॉज अडॉप्टेड, क्वेश्चन सब बेसिक थे आज, कोई बहुत हैवी क्वेश्चन नहीं था, बहुत टफ क्वेश्चन भी नहीं था, इसलिए तुरंत तुरंत जवाब करते रहे, ये क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ विद्यार्थियों, फटाफट से बताओ, हाँ बोलो फटाफट से बताओ, बोलो क्या करोगे जवाब है, बताओ जी फटाफट से। ये हो जाएगा सर स्टार एंड ग्रिड पैटर्न में नागपुर रोड प्लान के बारे में बात हुई थी, इसी में बात हुई थी, चले खैर आगे बढ़ो जरा, इस क्वेश्चन में जवाब करो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में जवाब करो
फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 जल्दी से जवाब करो विद्यार्थी फटाफट से। कैसे करोगे? बोलो। देखिएगा पावर इज इक्वल टू, जो अगर हम पावर की बात करें तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है? पावर इज इक्वल टू होता है हमारा टॉर्क, टॉर्क इनटू ओमेगा। ओमेगा का मतलब वो एंगुलर वेलोसिटी होता है, और एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? टू इंटू पाई। पाई समझते हैं क्या? बिल्कुल समझते हैं सर, कैसे बात कर दी आपने। टू इंटू पाई इंटू एन, ठीक है ना, एन अपॉन 60 अपॉन क्या करोगे 60। ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है ओमेगा का, एंगुलर वेलोसिटी का। बट यहां पर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टॉर्क में देखा जाए तो न्यूटन मीटर में है, तो न्यूटन मीटर में रखोगे तो वो आपका वाट में आएगा। तो हम एक काम करते हैं, हजार का मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब कि डिवाइड कर देते हैं नीचे। तो हमारे पास ये जो आएगा नीचे, अब जाके ये आएगा विद्यार्थियों क्या, 10 पाई, ठीक है ना, 10 पाई आएगा। 3000 रख दो टॉर्क की जगह, एन की जगह आप आरपीएम में 100 रख दो, बस खत्म, चलेगा। आगे चलते हैं। फॉर द डिजाइन ऑफ रिटेनिंग वॉल, डिजाइन ऑफ द रिटेनिंग वॉल मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट द ओवरटर्निंग, ओवरटर्निंग के लिए कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखा जाता है ये आपसे पूछा गया है। ओवरटर्निंग के लिए बात किया जा रहा है, ठीक है ना। स्लाइडिंग के लिए 1.5 होता है, लेकिन ओवरटर्निंग के लिए कितना होता है ये पूछा गया है। जवाब करें फटाफट से। ओवरटर्निंग, थर्टी फाइव में बी ऑप्शन, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा आपका टू कंप्लीटली सही, टू, ठीक है ना। व्हाट इज द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर द वाटर टैंक इन केस ऑफ द पीसीसी प्रीस्ट्रेस्ड एंड आरसीसी स्ट्रक्चर? देखिएगा सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि हमें बात की गई है वाटर टैंक की, तो वाटर टैंक को किस एक्सपोजर के हिसाब से डिजाइन करते हैं ये पता होना चाहिए, नहीं तो तब जवाब नहीं कर पाओगे। जब बताओ वाटर टैंक को किस एक्सपोजर के हिसाब से, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर या एक्सट्रीम या नॉमिनल, किस हिसाब से हम डिजाइन करते हैं? क्योंकि यहां पर डायरेक्ट नहीं बोला गया है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। जवाब करो, बताओ जरा फटाफट से, बोलो जी। क्वेश्चन नंबर 36 का, नहीं जी सी नहीं है, सी गलत है। प्रेरणा जी पहला गलत आंसर, और किसी का आंसर? जब तक सही आंसर नहीं आता तब तक मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। करो जल्दी से आंसर करो। वाटर टैंक को जब हम डिजाइन करते हैं, डी स्टैंड ये करते हैं, बिल्कुल वेरी गुड मुकेश गुप्ता, डी ऑप्शन करेक्ट। ये जो है सीवियर कंडीशन के हिसाब से डिजाइन करते हैं, सीवियर। और सीवियर कंडीशन में पीसीसी की जब हम बात करें तो मिनिमम ग्रेड कितना होता है जी, प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट, तो ये होता है M20। प्रीस्ट्रेस में तो प्री टेंशनिंग जो सिस्टम होता है M40 होगा हमारा, ठीक है। और आरसीसी में सीवियर कंडीशन, वाटर टैंक को सीवियर कंडीशन के हिसाब से डिजाइन किया जाता है, तो ये M30 होता है। याद है कि नहीं है? बिल्कुल याद है सर, ये डी ऑप्शन था। चलिए खैर आगे हम समझते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिएगा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 37, अ सीरीज ऑफ द स्टेप्स विदाउट एनी ब्रेक सच एज प्लेटफॉर्म लैंडिंग, दिस इज नोन एज व्हाट? बोलो। अ सीरीज ऑफ स्टेप्स विदाउट एनी ब्रेक सच एज प्लेटफॉर्म लैंडिंग इज कॉल्ड एज, बोलो। फ्लाइट इसको बुलाता है डियर स्टूडेंट ना, फ्लाइट बोला जाता है इसको। इसमें अभी देखो मुकेश गुप्ता जी, ड्रॉप कहाँ सुना आपने? ड्रॉप कैसे बोलेंगे? ये होता है आपका फ्लाइट। आपने देखा होगा कि फ्लाइट का मतलब क्या होता है कि पूरा एक ये मीडियम जिसमें कि हमारे पास नंबर ऑफ स्टेप होंगे। स्टेप में आपका एक राइज होगा, एक ट्रेड होगा, एक राइज होगा, एक ट्रेड होगा, है ना। राइज तुम्हारा ये वर्टिकल प्रोजेक्शन और ट्रेड तुम्हारा हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये चलता है, तो ये पूरा सिस्टम जो है ना ये पूरा एक फ्लाइट कहलाता है, नंबर ऑफ स्टेप्स जिसमें होते हैं। चलिए खैर इसमें जवाब करो भाई, गलती ना करें। क्वेश्चन नंबर 38 तुरंत जवाब करो, तुरंत जवाब करो, बताओ जरा फटाफट से। जवाब करो, बोलो। यहां पर आपको फॉर्मूला पता होगा तो तभी जवाब करोगे ना। क्वेश्चन नंबर 38,
अच्छा गलती से हो गया, हाँ गलती से मिस्टेक, अच्छा ये बात हो गई गलती से मिस्टेक। चलो खैर, 38 क्वेश्चन नंबर 38, 38वां। शेयर कर दें क्लास को फटाफट से। देखिएगा यहाँ पर गलती होने के चांसेस हैं भाई, बहुत लोगों ने गलती होने के चांस है, लेकिन करना नहीं है, है ना। आपको पता है कि डेल्टा अगर हम देखते हैं, डेल्टा ठीक है ना, ये तुम्हारा डेल्टा का फॉर्मूला जो होता है सब लोगों को पता है, क्या क्या होता है सर हमें नहीं पता, ये होता है आप सभी लोगों को पता है कि 8.64, ठीक है ना, 8.64 8.64 * बेस पीरियड, है ना, बेस पीरियड लिखते थे, और अपॉन में आप क्या करते थे, डी करते थे ड्यूटी। बट ये जो फॉर्मूला सेटअप हुआ है, ये जो निकला हुआ है वो आपका डेल्टा मीटर में है, बट हमें डेल्टा सेंटीमीटर में दिया है यहां पर। तो सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 100 करना पड़ेगा नीचे, ठीक है ना, क्योंकि हमें तो लाना है इसको मीटर में, तब जाके फॉर्मूला ये लगेगा। एक्चुअल में आप डेल्टा जो रखोगे आप, अब जो डेल्टा मिलेगा तो ये इस इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 के साथ, 100 का इधर जाके, तो 100 का मल्टीप्लाई करोगे 864 हो जाएगा ऊपर, है ना, ये ऑप्शन चलेगा, वेरी गुड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन द प्लेन टेबल सर्विंग फॉर द मेजरिंग द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस डायरेक्टली, डायरेक्टली जो हम निकालते हैं, बताओ जरा, तो कई बार मैंने डील कर दिया हूं। टेलीस्कोपिक एलिडेट है या प्लेन एलिडेट है, टैकोमेट्रिक है या क्लिनोमीटर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूज इन द प्लेन टेबल सर्विंग फॉर द मेजरमेंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस डायरेक्टली, क्या बोलोगे जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 39 में दिस इज द टेलीस्कोपिक एलिडेट, ओके, दिस इज द टेलीस्कोपिक एलिडेट, ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 40, इन केस ऑफ द स्टैगर्ड पिच, पिच मे बी इंक्रीज्ड बाय, पिच मे बी इंक्रीज बाय, जब हम स्टैगरिंग पिच की बात करते हैं तो कितने से हम इंक्रीज करते हैं, जैसे आपने सुना भी होगा, कितने परसेंट से इंक्रीज करते हैं, बताओ जरा जल्दी से बताओ। स्टैगरिंग, जिग जैग जिसको कहते हैं, जो बिल्कुल चेन में ना हो, चेन रिपीटिंग अलग होता है, ठीक है ना, बताओ। क्वेश्चन नंबर 40, फटाफट से जवाब, कितने परसेंट से करते हैं इंक्रीज, सुना होगा आपने, जैसे आपका कंप्रेशन में अगर होती है नॉर्मल ट्रेन रिबेटिंग में, कंप्रेशन में 12 T और 200, उसी को हम इंक्रीज करते हैं तब आपका जाके, ऐसी टेंशन में 16 T और 200, विच एवर इज लेस, उसको भी उसकी लिमिट भी चेंज होती है, फिर बताओ जरा, 50% से इंक्रीज करते हैं, वेरी गुड, 50% से डियर स्टूडेंट हम जो है इंक्रीज करते हैं, आपका जवाब होता है यहाँ पर करेक्ट, तो 50% से इंक्रीज करते हैं। लो एक क्वेश्चन आपके लिए बोनस में, रेसिप्रोकेटिंग पंप आर सुटेबल फॉर, रेसिप्रोकेटिंग पंप जो है कहां पर सुटेबल है ये आपको बताना है, रेसिप्रोकेटिंग पंप जो कि हैंड पंप में होता है, बताओ जरा हैंड पंप में। हाँ बहुत बढ़िया, लो डिस्चार्ज हाई डिस्चार्ज है, क्या होगा, लो डिस्चार्ज एंड, लो डिस्चार्ज और हाई हेड होता है, कहां पर है ये, ए ऑप्शन में ना, लो डिस्चार्ज और हाई हेड, काफी हेड हाई हेड पे होता है और डिस्चार्ज हमारा ज्यादा रहेगा। चलो तो हमारा आज का क्वेश्चन सब समाप्त हो चुके हैं टेक्निकल के, उसके बाद नॉन टेक चलेगा आपका, DFCCL, PPSC JEE, SSC JEE, RMSSB JEE, राजस्थान वाले विद्यार्थियों के लिए सभी कोर्सेज पर बहुत सारा भारी भरकम जो
इसको बोलते हैं छूट रखा गया है 4, 5 और 6 3 दिन तक का, आज जो है लास्ट दिन है। जो लोग भी अपनी तैयारी को करना चाहते हैं, देखो RMS भी जो राजस्थान JEE का पेपर है, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा नज़दीक है, 1 महीना तो आपके पास बचता ही अभी, ठीक है ना, अगर हम राउंडेड देखें। फिर भी अगर आप देखें तो जो मोस्ट सब्जेक्ट हैं, भले आप पढ़ सकते हैं आप इस कोर्स के माध्यम से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सारे सब्जेक्ट पढ़ लोगे आप, और ना पढ़ने की ज़रूरत है, इतना सारा लंबा सब्जेक्ट दिया हुआ है कोर्सेज में, डिटेल कोर्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, कुछ सब्जेक्ट आपके वीक हैं, कमज़ोर हैं, जैसे कि आपका माना RCC में थोड़ा कमज़ोरी है, या फ्लूड में कमज़ोरी है, सर्वेइंग में है, इरिगेशन में, जोन सभी है जिसमें भी आपको कमज़ोरी है, तो उस हिसाब से पढ़ सकते हैं आप, है ना। खैर आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये है जी टेस्ट सीरीज से जिन लोगों ने पढ़ चुके हैं, सारे कोर्सेज, मतलब कि सारे सब्जेक्ट, तो वो आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज को यहां से आप क्या कर सकते हैं, आराम से अपना बूस्टअप कर सकते हैं नॉलेज को। DFCCL हो गया, PPSC JEE हो गया, SSC JEE हो गई, 3 टेस्ट सीरीज हैं, ठीक है ना, इनके मदद से आप जो है, हाँ क्लास ओवर है ना, क्लास ओवर नहीं है अभी, आपका नॉन टेक चलेगा, राजस्थान वालों के लिए नॉन टेक चलेगा स्पेशली, ठीक है। ये है तुम्हारा DFCCL एग्जाम टेस्ट सीरीज, स्पेशली DFCCL एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज, इसमें तुम्हें टोटली 20 टेस्ट मिलेंगे, 20 टेस्ट मिलेंगे अलग अलग सब्जेक्ट, जिस हिसाब से सब्जेक्ट डिजाइन हुए उसी हिसाब से, है ना। हाँ, और 3 मंथ तक का इसका वैलिडिटी रहेगा, समझ रहे हैं। नेक्स्ट, अगर आप रेलवे को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि आपका DFCCL एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है रेलवे इंजीनियरिंग, तो रेलवे में ये छूट रखा गया है बहुत ही, इसमें तो तुम आइसक्रीम ही खा लेते हो, है ना, कोन वाली, इतने में तो एक दिन ना खाओगे तो अच्छा रहेगा। रेलवे का 10 लेक्चर आपको मिल जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि 10 लेक्चर से ऊपर आपका कुछ आने वाला है एग्जाम में, ठीक है ना, मोर देन इनफ पढ़ाया गया है। तो बताओ, अब आइसक्रीम पसंद है या रेलवे पसंद है? सर आइसक्रीम ही पसंद है। सही है बेटा, तुम तो कलयुग के विद्यार्थी हो, तुम कलयुग के। क्लास खत्म होगी क्या? नहीं, क्लास खत्म नहीं होगी, क्लास में चल रही है अभी, नॉन टेक चल रहा है, अब रोज ही चलेगा आपका। तो यहाँ पर अब विदाई देता हूँ मैं, नेक्स्ट नॉन टेक चलेगा आपका कंटिन्यू में, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास, कल की क्लास में, और 5 बजे भी आज मेरा क्लास है भाई, DSSSB का, दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो कि JEE का एग्जाम कराता है, तो उसी को 19 मार्च का पेपर सॉल्यूशन कराऊंगा, 5 बजे से लेकर 8 बजे तक, 8 से पहले भी हो सकता है। खैर चलो, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक बार सभी स्टूडेंट्स क्लास को शेयर कर दें। देखिए, आप लोगों के लिए राजस्थान JEE आप लोगों के लिए लगाई गई है, जिससे कि काफ़ी डिग्री लेवल के स्टूडेंट्स को काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि राजस्थान JEE आप लोगों को पता है कि 40 मार्क्स का वेटेज रखती है। तो देखो, 40 मार्क्स बहुत होते हैं भाई, 80 मार्क्स में अगर आप लोग 80 में से 75-78 भी अच्छे से स्कोर कर लेते हो, फिर भी सिलेक्शन के लिए चाहिए हम लोगों को राजस्थान JEE के मार्क्स। तो सभी स्टूडेंट्स एक बार क्लास को शेयर कर दें, 1 घंटा अगर यहाँ से राजस्थान JEE आप लोग करोगे, 2 घंटे खुद से पढ़ोगे, तो 3 घंटे इनफ है। अभी लास्ट का 1 महीना हमारे पास है, लास्ट के 1 महीने में भी बहुत अच्छे से तैयारी हो सकती है। तो एक बार सभी स्टूडेंट शेयर करते हुए चलें क्लास को, देन उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। अब देखो, आप लोग कह रहे हो कि मैम राजस्थान JEE हिंदी में होनी चाहिए, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही नजर आएंगी, आंसर्स करेंगे आप लोग 1 बाय 1, और कोशिश करेंगे चीज़ों को सीखने की। और देखो, क्लास में जो क्वेश्चंस आप लोग देखोगे उसकी ज़्यादा श्योरिटी है कि वो क्वेश्चंस आप लोगों को याद रहेंगे लंबे टाइम पीरियड तक। तो एक बार सभी स्टूडेंट्स लाइव बन जाएं, उसके बाद ही हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन।
चलिए भाई, तो सभी स्टूडेंट्स एक बार लाइव बन जाएं, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो देखो, टेक्निकल की क्लास तो आप लोगों की ओवरऑल चल ही रही है, तो एक बार सभी लोग लाइव बन जाएं, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं राजस्थान जीके का पार्ट। तो देखो, राजस्थान जीके में क्वेश्चंस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, लेकिन क्लास में आप लोग प्रेजेंट ही नहीं रह रहे हो तो फिर कैसे काम चलेगा भाई। सभी लोग शेयर कर दें एक बार, देन उसके बाद ही हम लोग स्टार्ट करेंगे राजस्थान जीके को। आप लोग देख भी पा रहे हैं, अगर हम डिप्लोमा के स्टूडेंट्स की बात करें तो देखो, डिप्लोमा का रिजल्ट डिक्लेयर भी हो चुका है, होने को तो डिग्री का भी हो जाता अभी तक, लेकिन अब डिग्री का आप लोगों को दोबारा से देना है एग्जाम। तो एक तरीके से आप अपनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी को लेके चलो ना, कि पहले राजस्थान जीके में अगर आप नहीं भी कर पाए थे अच्छा, तो आप राजस्थान जीके को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि आपको पता है जिस तरीके से कट ऑफ जा रही है, जिस तरीके से अगर हम सिलेक्शन लेने की बात करें, तो इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम राजस्थान जीके को भी बहुत अच्छे से कवर करते हुए चले। और अभी पेपर 12 सितंबर को है, आप समझ भी पा रहे हो, एक महीना हमारे पास है। अगर एक महीना कंटिन्यू अगर हम लोग राजस्थान जीके को फोकस करें, तो क्या रिजल्ट हम लोगों के फेवर में नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा भाई, किसी भी चीज में अगर हम मेहनत करते हैं तो उसका फल तो मिलता ही है। मैम, मेरा राजस्थान जीके वीक है। भाई वीक भी है तो कोई बात नहीं, आपको सीखने को ही मिलेगा क्लास से। तो एक बार भाई सभी लोग क्लास को शेयर कर दें, काफी कम स्टूडेंट्स प्रेजेंट हो भाई आप लोग, तो फिर देखो आप लोगों के लिए कैसे सोचा जाएगा फिर कि राजस्थान जीके कराई जाए। चलिए, तो सभी स्टूडेंट्स एक बार शेयर करते हुए चले क्लास को, उसके बाद ही हम लोग स्टार्ट कर पाएंगे आज का अपना सेशन। चलिए स्टार्ट कर देते हैं, कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को नजर आएंगे, कोशिश करेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ टॉपिक्स को कवर करने की। तो देखो, जब राजस्थान जीके की बात करते हैं और हम लास्ट ईयर के पेपर्स देखें, या अभी जो 6 दिसंबर को पेपर हुआ था उसी को ही अगर एनालाइज करते हैं, तो आप लोग ये देख पाते हैं कि पेपर आप लोगों का अच्छा खासा पूछा जाता है। राजस्थान जीके ऐसा नहीं है बिल्कुल कि 2-4 टॉपिक आप लोग पढ़ के ले गए तो वहीं से आपको पेपर पूरा का पूरा देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। आप लोग अगर राजस्थान जीके को देखें तो हिस्ट्री से भी उतने ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री के टॉपिक्स अगर आप लोग देखो तो हर टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 4-5 टॉपिक पढ़ लिए तो राजस्थान जीके बन जाएगी। लेकिन हमने पूरी कोशिश करनी है कि 40 में से 25-30 नंबर हम लोग स्कोर कर ले जाएं इस महीने में, और स्कोर बिल्कुल होंगे अगर मेहनत होगी। मेहनत जहां पर है भाई वहां पे रिजल्ट तो ऑब्वियसली फेवर में जाता है। किसी चीज को अगर हम लोग बिल्कुल छोड़ दें और पढ़े ही ना, तो उसके लिए आप लोग क्या ही प्रेडिक्ट कर सकते हो कि रिजल्ट फेवर में जाएगा। लेकिन हाँ, जब लास्ट महीना आपके पास है, राजस्थान जीके की क्लास 1 घंटे की आप लोगों की ये लग चुकी है जो कि रहेगी कंटिन्यू आपकी 1 महीने तक, तो आपने कोशिश करना है कि इस महीने में आपने राजस्थान जीके को क्लास के साथ साथ खुद से भी बहुत अच्छे से मेहनत करते हुए चलो। क्योंकि देखो, यहाँ से क्लास से पढ़ लोगे तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि राजस्थान जीके में बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाओगे, लेकिन हाँ, आपके पास एक कंटिन्यू राजस्थान जीके को पढ़ने के लिए एक सोर्स हो गया ना कि क्लास लगी हुई है, बाकी आपने खुद से मेहनत करनी है। लेकिन भाई सभी लोग क्लास को शेयर तो करें, इतने कम स्टूडेंट्स भाई, और राजस्थान जीके को क्या ही पढ़ोगे आप लोग बताओ। चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के सेशन को। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ चलते हैं। जनरली क्या होता है कि मंदिरों के बारे में पूछा जाता है। राजस्थान जीके में हर एक क्वेश्चन हर एक टॉपिक से बन जाता है, और हर एक क्वेश्चन हर एक टॉपिक से बनता है, तो टॉपिक को पूरा पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो जनरली क्या होता है कि टेम्पल्स के अकॉर्डिंग प्लेस पूछी जाती है कि ये वाला मंदिर कहाँ पर है। तो जब हम सोना जी की नाशिया मंदिर की बात करते हैं तो अजमेर में नजर आता है। इसके बाद क्वेश्चंस नजर आएंगे टेम्पल्स के बाद, थोड़ा सा ही है आपका ये थ्योरी का, उसके बाद क्वेश्चंस होंगे। देखो, केसरिया नाथ टेम्पल की बात करते हैं तो ऋषभदेव उदयपुर में नजर आता है। भीलवाड़ा जैन टेम्पल की बात करें तो माउंट आबू सिरोही में नजर आता है। विमल शाही टेम्पल माउंट आबू में नजर आता है। लुनाओ शाही टेम्पल माउंट आबू में। सुल्तान टर्किन भीमा शाह टेम्पल माउंट आबू में। परसवनाथ जैन टेम्पल आपका मरता रोड में। भैरू बाग जैन टेम्पल आपको जोधपुर में नजर आता है। ये सारी प्लेस हैं टेम्पल्स की, ये सारे मंदिर हैं आपके सामने, और ये सारी प्लेस है आप लोगों के सामने। आगे अगर हम लोग चलते हैं, सांशिया माता टेम्पल आपको जोधपुर में नजर आता है। लूणदेव जैन टेम्पल आपको जैसलमेर में नजर आता है। नाकुड़ा जैन टेम्पल आपको बाड़मेर में नजर आता है। श्री महावीर टेम्पल आपको महावीर जी करौली में नजर आता है। जैन टेम्पल की देखें तो झालदा पटन में नजर आता है। सदबीर देवरी जैन टेम्पल की बात करें तो चित्तौड़गढ़ में। मुंचाला महावीर टेम्पल की बात करें तो पाली में।
नरलाई जैन टेम्पल की बात करें पाली में, नारोड़ जैन टेम्पल की बात करें पाली में, वरकाना जैन टेम्पल की बात करें पाली में, रनकपुर जैन टेम्पल की बात करें पाली में, भंसार जैन टेम्पल की बात करें बीकानेर में। तो देखो सारे टेम्पल्स याद होंगे, एक टेम्पल आएगा तो आप लोग जरूर आंसर्स मार्क कर लोगे। भाई इसी तरीके से मैं आप लोगों को थ्योरी के भी कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजों को कवर कराते हुए चलूंगी, और साथ ही साथ आपको पता ही है इसके साथ साथ क्वेश्चंस को हम लोग करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट देखो, आप लोग देख पा रहे हैं कि चाउ मान्या जैन टेम्पल, सन टेम्पल, उचाला महादेव टेम्पल, श्रीनाथ जी टेम्पल, ये सारे के सारे मंदिर हैं। आपने ध्यान रखना है कि कौन कौन से प्लेस में ये आपको नजर आते हैं और कौन कौन से पीरियड में ये आप लोगों को नजर आते हैं। इसी तरीके से देखो, इसके आप लोग स्क्रीनशॉट रख सकते हैं कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में ऋषभदेव टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है, तो आप कहोगे उदयपुर में लोकेटेड है। सास बहु टेम्पल, देखो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है आप लोगों से, सास बहु टेम्पल, मैंने कहा ना कि टेम्पल से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। सास बहु का मंदिर आपको नागदा में नजर आता है जो कि उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है, सास बहु का मंदिर। अंबिका टेम्पल की बात करें तो जगत उदयपुर में, जगदीश टेम्पल आपका उदयपुर में, पीपड़ माता टेम्पल आपका हल्दी घाटी राजसमंद में, ध्यान रखेंगे पीपड़ माता टेम्पल हल्दी घाटी राजसमंद में। नेक्स्ट देखो इसी तरीके से यहाँ से जो इम्पोर्टेंट आपके आपके मंदिर है वो है हर्षित माता टेम्पल जो कि दौसा डिस्ट्रिक्ट में नजर आता है, हर्ष महादेव टेम्पल सीकर में नजर आता है, जैन माता टेम्पल सीकर में, आशापुरी टेम्पल जालोर में नजर आता है। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है आपका सन टेम्पल, सन टेम्पल आपको झालावाड़ में नजर आता है। गणेश टेम्पल की बात करें तो जयपुर में नजर आते हैं। अब देखो ये आपके प्रमुख फेमस मंदिर हैं, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है एक ना एक। इसी तरीके से नेक्स्ट बात करें, महामंदिर जोधपुर में, रावण का टेम्पल जोधपुर में, आशापुरा टेम्पल पाली में, सोमनाथ टेम्पल पाली में। इसी तरीके से देखो नेक्स्ट अगर यहाँ से जो हम लोग इम्पोर्टेंट की बात करें तो देखो रंगनाथ टेम्पल बहुत ही इम्पोर्टेंट अजमेर में, अब ब्रह्मा जी का टेम्पल ये आपको पुष्कर अजमेर में नजर आता है, ये तो वर्ल्ड फेमस टेम्पल है, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर हम लोग कह सकते हैं, एक तरीके से श्रापित मंदिर जिसे कहा जाता है, ये ब्रह्मा जी का टेम्पल ये आप लोगों को नजर आता है पुष्कर में अजमेर में। इसी तरीके से नेक्स्ट कैला देवी टेम्पल, बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कैला देवी टेम्पल कहाँ पे नजर आता है, तो करौली में। इसी तरीके से मदन मोहन टेम्पल की बात करें तो करौली में, और अगर हम बात करें वैनेश्वर महादेव टेम्पल की अगर हम बात करते हैं तो डूंगरपुर में। तो ये सारे पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं। करणी माता टेम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करणी माता टेम्पल ध्यान रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चूहों की देवी करके आपसे पूछा जाता है कि करणी माता का टेम्पल कहाँ पे है, भाई बीकानेर में है, बीकानेर में। प्लेस याद भी ना रखो आप लोग कहाँ पे है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट याद होना चाहिए कहाँ पे है, बीकानेर में आपको नजर आता है। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम बात करें तो चार भुजा नाथ टेम्पल जो कि आपको नागौर में नजर आता है, ये सारे आपके टेम्पल है। अब बात आती है कि फेमस कैटल फेयर्स ऑफ राजस्थान, कि जानवरों का जो मेला लगता है हमारे राजस्थान में, सबसे फेमस कौन से मेले हैं। देखो पुष्कर कैटल फेयर, ये आपको पुष्कर अजमेर में नजर आता है। इसी तरीके से श्री वीर तेजाजी कैटल फेयर, ये आपको नागौर में नजर आता है। रामदेव कैटल फेयर आपको नागौर में नजर आता है, ये इंपॉर्टेंट फेयर है, ज्यादा ना भी याद हो तीन चार आपके जो इंपॉर्टेंट है वो याद होने बहुत जरूरी है। इसी तरीके से देखो अब आ चुका है फर्स्ट क्वेश्चन, अब आंसर्स करके बताओ। चलो थ्योरी से आप लोग वैसे भी बहुत परेशान हो जाते हो। कैला देवी टेम्पल मेरे डिस्ट्रिक्ट में है, बहुत अच्छे भाई, अपने डिस्ट्रिक्ट का तो पता ही होना चाहिए, जहां पे रह रहे हो वहां पे तो पता ही होना चाहिए कौन सा मंदिर है। देखिए नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन, विच रियून्स ऑफ सिविलाइजेशंस आर लोकेटेड एंड कालीबंगा एंड आपका बालाथली, सभ्यता के कौन से खंडहर कालीबंगा और बालाथली में स्थित है, बताएं कौन सा सिविलाइजेशन आप लोगों का आंसर जाएगा। सभी लोग आंसर्स करें भाई इस क्वेश्चन का, आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आंसर्स होना चाहिए, मार्क करके बताएं सभी लोग कि सभ्यता के कौन से खंडहर कालीबंगा और बालाथली में स्थित आपका है, कौन सी सिविलाइजेशन कालीबंगा में, कौन सी सिविलाइजेशन नजर आती है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, आंसर्स करके बताओ।
सभी लोग आंसर्स करें भाई, सभी स्टूडेंट्स अपनी प्रेजेंस को जरूर मार्क करें, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों के अकॉर्डिंग आंसर्स क्या जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का? भाई प्रेरणा जी यहाँ पे डी आंसर्स कर रही है, बहुत ही शानदार। सभ्यता के कौन से खंडहर कालीबंगा और बालाथली में स्थित हैं? तो आपका आंसर जाएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। व्हाट इज द स्टेट हेरिटेज एनिमल ऑफ राजस्थान? राजस्थान का राज्य विरासत पशु कौन सा है बताएं? राजस्थान का राज्य विरासत पशु कौन सा है? सभी लोग आंसर्स मार्क करें इस क्वेश्चन का, आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आंसर जाना चाहिए बताएं कि राजस्थान का राज्य विरासत पशु कौन सा है? चिंकारा है, मस्क डियर है, कैमल है या स्पॉटेड डियर है? आप लोगों के अकॉर्डिंग आंसर क्या जाएगा? जब हम स्टेट हेरिटेज एनिमल की बात करते हैं वो भी राजस्थान की, तो राजस्थान का राज्य विरासत पशु कौन सा है? सेकंड क्वेश्चन का आंसर करके बताएं, क्या बात है, चिंकारा आंसर करोगे, मस्क डियर, कैमल, स्पॉटेड डियर, क्या आंसर होना चाहिए हेरिटेज एनिमल के लिए? सेकंड का सी आंसर करें भाई, बहुत बढ़िया, कैमल, क्या बात है। तो राज्य विरासत पशु की अगर हम बात करते हैं तो आपका कैमल जाता है, अगर राज्य पशु की बात करते हैं तो चिंकारा, यहाँ पे स्टेट हेरिटेज एनिमल बोला गया है तो कैमल आपका करेक्ट आंसर होगा, बहुत अच्छे, सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाउ मेनी सीट्स डज राजस्थान हैव इन द राज्यसभा? राज्यसभा में राजस्थान की कितनी सीटें हैं? आपको पता है कि अगर हम बात करते हैं सेंटर में तो लोकसभा और राज्यसभा दो आप लोगों को नजर आती है, और जब आपसे राज्यसभा की सीट्स पूछा जाए, हाउ मेनी सीट्स डज राजस्थान हैव इन द राज्यसभा, राज्यसभा में राजस्थान की कितनी सीटें हैं बताएं भाई? थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या जाना चाहिए? सभी लोग आंसर्स करें भाई, प्रेरणा जी, मनीष कुमार जी, सभी लोग बहुत अच्छे रिस्पॉन्स के साथ। भाई सभी स्टूडेंट्स एक बार अपनी प्रेजेंस को जरूर मार्क कर लें और आंसर्स करके बताएं। 15 सीटें आंसर जा रहा है भाई, देख लो राज्यसभा में राजस्थान की 15 सीट्स हो सकती हैं, इतनी ज्यादा सीट, बताएं भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाना चाहिए? भाई सभी लोग रिस्पॉन्स करें, जेई, अगर हम राजस्थान जेई में डिग्री लेवल की बात करें तो काफी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया था, इस क्वेश्चन का आंसर करके बताओ भाई। थर्ड क्वेश्चन का, भाई थर्ड क्वेश्चन का आंसर जा रहा है कि राज्यसभा में राज्य के स्थान की 10 सीट्स नजर आती हैं, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, आंसर्स को मार्क करके बताओ भाई कि 2021 तक राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है? फोर्थ क्वेश्चन का आंसर करो, हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ राजस्थान एज ऑफ 2021, 2021 में कौन है? फोर्थ क्वेश्चन का आंसर करके बताओ, राम नायक हैं, कलराज मिश्रा हैं, प्रभा राव हैं, कल्याण सिंह हैं, आंसर क्या जाएगा फोर्थ क्वेश्चन के साथ? सभी लोग आंसर्स करिए भाई, देखो आ नहीं रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोगों ने क्लास में सीखना ही है चीजों को, तो बताएं कि 2021 तक राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल गवर्नर कौन है, प्रेजेंट गवर्नर पूछा जा रहा है आप लोगों से, बहुत अच्छे कलराज मिश्रा जी, आंसर जाएगा बी ऑप्शन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन के साथ आंसर्स को मार्क करें, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ राजस्थान? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ राजस्थान? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? आंसर्स मार्क करो, ए ऑप्शन को मार्क करोगे, बी के साथ, सी के साथ या डी के साथ, आप लोगों के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाना चाहिए? तो प्रेरणा जी, इंजीनियर संतोष राज जी, संतराज जाटव जी, रंजीत सिंह जी, मनीष कुमार जी, सभी लोग आप लोग बहुत अच्छे आंसर्स के साथ भाई, वेरी गुड, आप लोगों के अकॉर्डिंग फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? मार्क करके बताएं कि हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ राजस्थान? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन है, कौन थे, आपका आंसर क्या होना चाहिए? सी आंसर करो फिफ्थ का, गुरुमुख निहाल सिंह, ये आंसर जाएगा। सोच लो भाई, सोच लो, समझ लो और आंसर करके बताओ, और थोड़ा सा राजस्थान जीके को पढ़ना स्टार्ट करो, ऐसा भी नहीं है कि क्लास में आके एबीसीडी करने लगे आप लोग, भाई कुछ पढ़ के आओगे तो ही तो एबीसीडी करने में भी अच्छा लगेगा। आंसर क्या किया जाएगा इस क्वेश्चन का, फिफ्थ का सी आंसर कर रहे हैं सब लोग। देखो इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो महाराजा मान सिंह द्वितीय राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे, आंसर ए ऑप्शन के साथ। छठे क्वेश्चन पे चलते हैं, आंसर को मार्क कर, हु वॉज द वैनगार्ड ऑफ द 15th सेंचुरी राजस्थान रेजुग्रेंस? 15वीं शताब्दी के राजपूत पुनरुत्थान का मोहरा कौन था बताएं?
ये 15वीं शताब्दी में राजपूतों का एक तरीके से दोबारा से पुनरुत्थान किया गया, इसका मोहरा कौन थे? आंसर क्या जाएगा छठे क्वेश्चन का? भाई संतराज जाटव जी, इंजीनियर संतोष राज जी, हैप्पीनेस हैप्पी जी, बहुत अच्छे भाई आप लोग। भाई सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक जरूर करें और आंसर्स करके बताएं इस क्वेश्चन का, आप क्या आंसर्स करोगे बताओ। ये 15वीं शताब्दी के राजपूत पुनरुत्थान का मोहरा कौन थे? राणा अमर सिंह, राणा कुंभा, एम्परर हेमू, राणा राज सिंह, क्या आंसर्स मार्क करोगे इस क्वेश्चन का? देखो छठे क्वेश्चन की बात करते हैं, 15वीं शताब्दी के राजपूत पुनरुत्थान का मोहरा राणा कुंभा जी थे, कौन थे? राणा कुंभा जी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। आगे चलते हैं सातवें क्वेश्चन के साथ, इस क्वेश्चन को आंसर करके बताओ। विच डिस्टिंक्ट फॉल्स इनटू द थार डेजर्ट, थार के मरुस्थल में कौन सा जिला आता है बताओ, कहाँ पे थार का मरुस्थल में आपका कौन सा जिला आता है? जनरली आपको जो पश्चिमी मरुस्थल है जिसे हम थार का मरुस्थल कह रहे हैं, वही आपका पश्चिमी मरुस्थल है जिसे हम थार का मरुस्थल कह रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को थार डेजर्ट में नजर आता है, क्या ये जैसलमेर है, क्या ये अलवर है, क्या ये धौलपुर है, क्या ये कोटा है? आप लोगों के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए कि थार के मरुस्थल में कौन सा जिला आता है? आंसर मार्क करें इस क्वेश्चन का, सभी लोग आंसर्स करें भाई, सभी स्टूडेंट्स अपनी प्रेजेंस को जरूर मार्क करें भाई। किसी से मत पूछो आपकी आप क्यों पढ़ रहे हो राजस्थान जीके, भाई कम से कम पढ़ तो रहे हैं, बाकी जिनको पढ़ना चाहिए वो सब गायब है। आंसर्स करो भाई सातवें क्वेश्चन का, ए आंसर जा रहा बहुत अच्छे। तो देखो आपको पता है कि पश्चिमी मरुस्थल जिसे हम लोग कहते हैं, पश्चिमी मरुस्थल कह दें, थार डेजर्ट कह दें, कौन है? जैसलमेर नजर आता है ऑब्वियसली। अगर राजस्थान का हम लोग सबसे बड़ा जिला कहें एरिया वाइज, तो आपका जैसलमेर ही है। नेक्स्ट आठवें क्वेश्चन को आंसर्स करो। व्हाट परसेंटेज ऑफ द थार डेजर्ट इज लोकेटेड इन इंडिया, थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग भारत में स्थित है बताएं, कितना प्रतिशत भाग हमारे भारत में स्थित है? आठवें क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? 50, 75, 85, 95, क्योंकि आपको पता है कि थार मरुस्थल की बात करें तो वहीं से हमारी किसके साथ सीमा लगती है, पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर होती है, तो आधा मरुस्थल आधा नहीं मतलब कुछ परसेंट भाग आपका पाकिस्तान में नजर आता है थार के मरुस्थल का, बाकी सारा हमारा अपने इंडिया में हमारे भारत में ही नजर आता है, और भारत में भी सबसे ज्यादा एरिया राजस्थान का ही कंज्यूम है इस थार के मरुस्थल से। तो बताएं आपका कितना डेजर्ट इंडिया में नजर आता है, आंसर्स करके बताओ इस क्वेश्चन का। तो हैप्पीनेस जी, संतराज जाटव जी, प्रेरणा जी, सभी लोग बहुत अच्छे रिस्पॉन्स के साथ, वेरी गुड। आप लोगों के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए बताओ, थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग भारत में स्थित है? आप लोगों के अकॉर्डिंग आंसर क्या जाएगा? आठवें का बी 75%, 75% भाग है। देखो आप लोग देखना, जनरली 15% तक का डेजर्ट आप लोगों को नजर आता है पाकिस्तान में, और थार मरुस्थल का हमारा जो कितना प्रतिशत भाग भारत में स्थित है, 85% भाग हमारा भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नाइन क्वेश्चन के साथ आंसर्स को मार्क करके बताओ कि नवे क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा। विच इज द ओनली रिवर इन द थार डेजर्ट, थार के मरुस्थल में एकमात्र नदी ऐसी कौन सी है जो बहती है? इस नदी की बात करें तो ये नदी अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है और कच्छ के रण में चली जाती है, मतलब वहां जाके विलुप्त हो जाती है, उसके बाद फिर इसका नहीं है आगे का कि ये कहाँ पे जाती है, लेकिन आपके अजमेर के नाग पहाड़ से निकलकर कच्छ के रण तक चली जाती है ये रिवर। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ओनली रिवर इन द थार डेजर्ट, थार के मरुस्थल में एकमात्र नदी कौन सी है जो बहती है? आप लोगों के अकॉर्डिंग आंसर क्या जाना चाहिए इस क्वेश्चन का, मार्क करो। तो संतराज जाटव जी, हैप्पीनेस जी, राधे जी, मनीष कुमार जी, सभी लोग आप लोग बहुत अच्छे रिस्पॉन्स के साथ भाई, वेरी गुड। आप लोगों के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाना चाहिए, मार्क करके बताओ। जब मैंने आपको बोल दिया कि ये अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है और कच्छ के रण तक जाती है, कच्छ के रण में जाके विलुप्त हो जाती है, तो ये वन एंड ओनली कौन सी रिवर? यस, लूनी रिवर है, लूनी रिवर, राइट आंसर सी ऑप्शन। इस लूनी रिवर को ही तो हम कहते हैं आधी मीठी आधी खारी। अगर इसकी बात करें तो ये जब बाड़मेर बालोतरा में इसके बाद ये रिवर आप लोगों को खारी नजर आती है, वहां तक मीठी रहती है,
तो वहां तक खारी हो जाती है क्योंकि वहां पे इसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट मिल जाते हैं, बहुत ज्यादा लवण मिल जाते हैं, तो आधी मीठी आधी खारी के नाम से भी लूनी रिवर जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वीं क्वेश्चन को आंसर करो भाई सभी लोग। भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने वाले राजस्थान के एकमात्र व्यक्ति कौन है? हु इज द ओनली पर्सन फ्रॉम राजस्थान टू सर्व एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? आंसर मार्क करो भाई 10वें क्वेश्चन का। देखो कितना शानदार क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन देखो ऐसे ही मिलेंगे आप लोगों को। आप लोग अच्छे से मेहनत करो, क्लास को जितना हो सके शेयर आप लोग करो, और हम कोशिश करेंगे कि एक महीने में बहुत अच्छा पढ़ लें राजस्थान के क्वेश्चन, जिससे कि एग्जाम जब हम दे के आए तो कहीं ना कहीं ये जो महीना है अगस्त का जो मंथ है, या हमें लगे कि हमने एक बहुत अच्छी तरीके से इसे यूटिलाइज किया है। बताएं भाई ऐसे कौन से राजस्थान के व्यक्ति हैं जो वाइस प्रेसिडेंट के रूप में आपको नजर आए? 10वें क्वेश्चन का आंसर भाई प्रेरणा जी आंसर करिए भाई सही, बाकी सब तुक्के मारने के लिए बैठे हो क्या आप लोग? भाई थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो आप लोग। बताओ भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने वाले राजस्थान के एकमात्र व्यक्ति? यस आंसर जाएगा भैरव सिंह शेखावत। बहुत शानदार आंसर सी ऑप्शन के साथ, भैरव सिंह शेखावत जी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने वाले राजस्थान के एकमात्र व्यक्ति हैं। भाई जहाँ पे ओनली ओनली वर्ड आता है ना जहाँ पे, वहां पे तो याद होना ही चाहिए कि राजस्थान के एकमात्र ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो कि भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में जिन्होंने कार्य किया है, तो वो हैं आपके भैरव सिंह शेखावत जी। आंसर्स आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आंसर्स को मार्क करें भाई। पॉलिटी राजस्थान जी राजस्थान में नहीं है, होकर नहीं कुछ नहीं होता, कुछ भी आ जाता है आप लोगों का, इतने ज्यादा मत बनो, आपकी बस सिलेबस से ही आएगा। आप देखोगे इंडियन जीके से भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, बायोलॉजी के भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। इस क्वेश्चन को आंसर करो, विच सिटी ऑफ राजस्थान इज कॉल्ड द कैमल कंट्री? राजस्थान के किस शहर को ऊंट देश कहा जाता है? भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा ऊंट मिलते हैं, कहने का मतलब, तो कैमल कंट्री के नाम से राजस्थान का कौन सा शहर जाना जाता है? भाई क्लास में अगर इतने कम स्टूडेंट्स होंगे ना, तो मैं जिस एनर्जी से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मेरी एनर्जी ही थोड़ी थोड़ी करके धीरे धीरे करके लो हो जाएगी। भाई क्लास को शेयर करो, एक एक फ्रेंड को तो एटलीस्ट शेयर करो क्लास को। आंसर्स करें भाई सभी लोग, सभी स्टूडेंट्स अपनी प्रेजेंस को जरूर मार्क करें, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और भाई क्लास को शेयर जरूर करें, जिससे कि इस राजस्थान जीके को पढ़ने में कुछ इंटरेस्ट आए। अदरवाइज देखो अगर आप ही का इंटरेस्ट कम होगा तो मेरा इंटरेस्ट भी कब तक रहेगा, कुछ टाइम बाद मेरा भी इंटरेस्ट धीरे धीरे करके कम ही हो जाएगा आपको पढ़ाने के लिए। इस क्वेश्चन को आंसर करो, कैमल कंट्री के नाम से कौन जाना जाता है? कौन है भाई राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर है जो ऊंट देश के नाम से जाना जाता है? 11वें क्वेश्चन का आंसर, बहुत बढ़िया भाई। यहाँ पे देखो प्रेरणा जी का करेक्ट आंसर आ रहा है, बीकानेर। राजस्थान के किस शहर को ऊंट देश कहा जाता है? बीकानेर को कहा जाता है, राइट आंसर सी ऑप्शन के साथ। अब देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो निकल के आते हैं वो है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को कहते हैं मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान, राइट। अगर इस मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान की बात करें, वस्त्रों की नगरी, राजस्थान में वस्त्रों की नगरी के नाम से विख्यात है भीलवाड़ा। अगर इंडिया में आप लोग कहते हैं कि बताएं वस्त्रों की नगरी से कौन विख्यात है, तो अहमदाबाद का नाम जाता है, और जब राजस्थान में बोला जाए तो भीलवाड़ा। बीकानेर को कैमल कंट्री कहा जाता है, जयपुर को सिटी ऑफ पैलेसेस कहा जाता है, इंडिया का पेरिस कहा जाता है भाई जयपुर को, पिंक सिटी कहा जाता है, रेड सिटी कहा जाता है। ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, भीलवाड़ा को क्या कहा जाता है, बीकानेर को क्या कहा जाता है, और जयपुर को क्या कहा जाता है। नेक्स्ट, जैसलमेर को गोल्डन सिटी के नाम से विख्यात है जैसलमेर। जोधपुर की बात करते हैं तो जोधपुर को ब्लू सिटी सन सिटी कहा जाता है, उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स, विनायक ऑफ द ईस्ट व्हाइट सिटी के नाम से उदयपुर विख्यात है, उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है, सिटी ऑफ वेल्स भी कहा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, इस क्वेश्चन को आंसर करो भाई। वैसे देखा जाए अगर राजस्थान में, देखो तो सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है कि किसको कौन सा डिस्ट्रिक्ट अच्छा लगता है। एक्चुअल में जैसलमेर और उदयपुर ये दो डिस्ट्रिक्ट बहुत अच्छे कहे जाते हैं, कि मतलब बहुत अच्छा देखने को मिलता है, बाकी तो सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है। सभी लोग आंसर्स करें भाई इस क्वेश्चन का, आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आंसर जाना चाहिए मार्क करके बताओ। विच माउंटेन रेंज लाइज इन राजस्थान? राजस्थान में कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? सतपुड़ा, अरावली, वेस्टर्न घाट, डेक्कन प्लेट्यू, आंसर्स क्या जाएगा? विच माउंटेन रेंज लाइज इन राजस्थान?
बारहवीं का बी आंसर कर रहे हैं, अरावली रेंज। बहुत बढ़िया भाई, ऑब्वियसली अरावली की पहाड़ियां ही आप लोगों को नजर आती हैं हमारे राजस्थान में। तो आंसर जाएगा कि राजस्थान में कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है, तो राजस्थान में अरावली रेंज आपको नजर आती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, 13 क्वेश्चन के साथ आंसर्स को मार्क करो। विच इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द अरावली रेंज, अरावली पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु कौन सा है। अगर हम अरावली का कहें ना कि सबसे अधिक विस्तार हमारे राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो हम कहते हैं कि अरावली का जो सबसे अधिक विस्तार आपको नजर आता है वो उदयपुर में नजर आता है, और सबसे कम विस्तार कहें तो अजमेर में नजर आता है, सबसे ऊंची चोटी कहो तो माउंट आबू सीकर में आप लोगों की नजर आती है, ठीक है, सिरोही में, सॉरी माउंट आबू आपके सिरोही में। और अगर हम सबसे कम ऊंची चोटी की बात करते हैं तो ऊंची चोटी सबसे कम जयपुर में नजर आती है। तो आंसर क्या जाएगा बताओ इस क्वेश्चन का, 13 का सी आंसर कर रहे हो, गुरु शिखर। यस, गुरु शिखर चोटी का नाम हो गया, ठीक है। तो आपसे अरावली रेंज की चोटी की बात हो रही है, तो आपका आंसर 13 का क्या जाएगा, यस सी ऑप्शन जाएगा, गुरु शिखर, आंसर सी ऑप्शन के साथ। अगर हम माउंट आबू की बात करें तो माउंट आबू भी आपको कहाँ नजर आता है, सिरोही में ही नजर आएगा, ठीक है। और आपको पता है कि एक तरीके से सबसे अधिक वर्षा भी हम लोगों को यहीं पर ही देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं, 14 क्वेश्चन आंसर करें भाई। बोला गया है व्हाट इज द संस्कृत मीनिंग ऑफ द वर्ड अरावली, अरावली शब्द का संस्कृत अर्थ क्या है, बताएं भाई इस क्वेश्चन का आंसर करें। तो इंजीनियर संतोष राज जी, मनीष कुमार जी, हैप्पीनेस जी, सभी लोग शानदार आंसर्स के साथ। भाई सभी स्टूडेंट्स अपनी प्रेजेंस को जरूर मार्क करें, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, व्हाट इज द संस्कृत मीनिंग ऑफ द वर्ड अरावली, अरावली शब्द का संस्कृत अर्थ क्या है, बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। 14 क्वेश्चन को आंसर्स करके बताएं कि आंसर्स क्या जाएगा, लाइन ऑफ पीक्स कहोगे, लाइन ऑफ पर्वता कहोगे, लाइन ऑफ रॉक्स कहोगे, लाइन ऑफ सेटलमेंट्स कहोगे। व्हाट इज द संस्कृत मीनिंग ऑफ द वर्ड अरावली, अरावली शब्द का संस्कृत अर्थ क्या है। 14 क्वेश्चन को आंसर्स करके बताएं सभी लोग। 14 का भी लाइन ऑफ पर्वता, देख लो, सोच लो एक बार कि अरावली शब्द का संस्कृत अर्थ क्या है। 14 क्वेश्चन का आंसर देखो, अगर हम 14 की बात करते हैं तो राइट आंसर जा रहा है लाइन ऑफ पीक, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का करेक्ट आंसर। तो अगर आप लोगों से बोला जाए संस्कृत मीनिंग ऑफ द वर्ड अरावली, तो इसे हम कहते हैं लाइन ऑफ पीक, राइट आंसर ए ऑप्शन के साथ। आगे चलते हैं हम लोग 15 क्वेश्चन के साथ आंसर्स को मार्क करें। व्हाट इज द हाइट ऑफ गुरु शिखर पीक, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। आपको पता है कि अगर गुरु शिखर की बात करें तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, जब ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है तो इसकी हाइट आपसे पूछी जा रही है। तो गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, बताएं कितना मीटर आपका आंसर जाएगा गुरु शिखर की ऊंचाई। सभी लोग आंसर्स करके बताएं भाई 15 क्वेश्चन का। तो प्रेरणा जी, इंजीनियर संतोष राज जी, हैप्पीनेस जी, सभी लोग बहुत अच्छे आंसर्स के साथ भाई, वेरी गुड। आप लोगों के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाना चाहिए। 15वें क्वेश्चन का आंसर करके बताओ भाई, व्हाट इज द हाइट ऑफ गुरु शिखर पीक, बहुत अच्छे आंसर कर रहे हो। अगर हम गुरु शिखर की ऊंचाई की बात करते हैं तो 1720 मीटर नजर आती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले यहाँ पे देखो, आपने ध्यान रखना है, गुरु शिखर 1732 मीटर सिरोही में ही नजर आता है। सेकेंड नंबर पे जो अरावली की ऊंची चोटी है वो शेर पीक है, वो भी सिरोही में नजर आती है। देलवाड़ा की बात करते हैं, ये भी आपका सिरोही में नजर आता है। जरगा पर्वत की बात करते हैं, उदयपुर में नजर आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जरगा पर्वत आपका कहाँ पे, उदयपुर में ही नजर आता है। इसी तरीके से अचलगढ़ की बात करते हैं, 1380 मीटर सिरोही में नजर आती है। कुंभड़गढ़ की बात करते हैं, 1224 मीटर राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में नजर आती है। रघुनाथगढ़ 1055 मीटर सीकर डिस्ट्रिक्ट में नजर आती है। कमलनाथ 1001 मीटर उदयपुर में नजर आती है। ये सारे पॉइंट्स भी आपने ध्यान रखने हैं, अचलगढ़, कुंभड़गढ़, रघुनाथगढ़, कमलनाथ। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से जाने से पहले ये भी ध्यान रखना है, खो की बात करें जयपुर अजमेर में सबसे ऊंची चोटी जो आपको नजर आती है वो तारागढ़ नजर आती है। भैरज की बात करें 792 मीटर अलवर में। बाबई की बात करें 780 मीटर झुंझुनू में। बेरात की बात करें 704 मीटर जयपुर में। ये सारे वर्ड आपने याद रखने हैं भाई अच्छे से, बिल्कुल ठीक है।
आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ भाई, सोलवी क्वेश्चन को आंसर्स करें भाई सभी लोग। आप लोगों के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर्स क्या जाना चाहिए? सभी लोग आंसर्स करें कि लक्ष्मण लक्ष्मणगढ़ का किला किस जिले में स्थित है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लक्ष्मणगढ़ का किला किस जिले में स्थित है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द लक्ष्मणगढ़ फोर्ट लोकेटेड इन। लक्ष्मणगढ़ का किला, बताएं आंसर्स क्या चाहिए। सोलवे का सी आंसर जा रहा है सीकर डिस्ट्रिक्ट। क्या बात है भाई, आप लोग तो भाई सच में बहुत अच्छे आंसर्स के साथ। कि अगर हम लक्ष्मणगढ़ का किला किस जिले में स्थित है बोला जाता है तो आंसर जाएगा आपका सीकर डिस्ट्रिक्ट। राइट आंसर सी ऑप्शन के साथ। हर्ष की पहाड़ियां भी आप लोगों को सीकर डिस्ट्रिक्ट में ही नजर आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 17 क्वेश्चन आंसर्स करो। मेहरानगढ़ किला कहाँ स्थित है। वेर इज मेहरानगढ़ फोर्ट लोकेटेड। मेहरानगढ़ किला कहाँ स्थित है बताओ। अजमेर में स्थित है, जोधपुर में स्थित है, बीकानेर में, या चित्तौड़गढ़। आप लोगों के अकॉर्डिंग आंसर्स क्या जाएगा जब मेहरानगढ़ किला की बात करते हैं। वेर इज मेहरानगढ़ फोर्ट लोकेटेड, बताएं इस क्वेश्चन का आंसर्स क्या जाएगा। तो इंजीनियर संतोष राज जी, बंदर जुड्डा जी, प्रेरणा जी, सभी लोग बहुत अच्छे आंसर्स के साथ भाई, वेरी गुड। आप लोगों के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर्स क्या जाना चाहिए। मेहरानगढ़ किला कहाँ पे स्थित है। वेर इज मेहरानगढ़ फोर्ट लोकेटेड, सभी लोग आंसर्स करें इस क्वेश्चन। यस, मेहरानगढ़ का जो किला स्थित है वो आपका जोधपुर में स्थित है। राइट आंसर बी ऑप्शन के साथ। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, आंसर्स को मार्क करें। द डिस्ट्रिक्ट बारा एंड बूंदी फॉल इनटू व्हिच डिवीजन। जिला बारा और बूंदी किस संभाग में आते हैं, क्वेश्चन आपसे ये पूछा है। बारा और बूंदी किस संभाग में आते हैं। कोटा में आते हैं, उदयपुर में आते हैं, जोधपुर में आते हैं, या अजमेर भाग में आते हैं। बारा और बूंदी दो डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से डिवीजन में आते हैं। आप लोगों के अकॉर्डिंग 18 क्वेश्चन का आंसर्स क्या जाना चाहिए। सभी लोग आंसर्स करें भाई। तो प्रेरणा जी, सौरभ जी, हैप्पीनेस जी, बंदर जी भाई, बहुत अच्छे आंसर्स के साथ। कहाँ कहाँ से आप ऐसे नाम ले आते हो अपने। बारा और बूंदी बताएं भाई कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है भाई। इंजीनियर संतोष राज जी का करेक्ट आंसर जा रहा है, कोटा में आता है। बहुत ही बढ़िया। तो आपको पता होना चाहिए कि जो राजस्थान का पूरा मैप है वो डिफरेंट डिफरेंट संभागों में बांटा गया है। डिफरेंट डिफरेंट संभागों में बांटा गया है, जिसमें कोटा संभाग है, जिसमें बारा और बूंदी आपके दोनों आते हैं। समझ पा रहे हैं। आगे चलते हैं 19 क्वेश्चन के साथ, आंसर्स को मार्क करें। विच टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान शेयर अ बॉर्डर विद पंजाब। राजस्थान में कौन से ऐसे दो जिले हैं जो पंजाब के साथ सीमा साझा करते हैं, बताएं भाई। राजस्थान के ऐसे कौन से दो डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि हमारे पंजाब के साथ सीमा साझा करते हैं। क्या ए ऑप्शन आप लोगों की नजर में करेक्ट होगा, बी को राइट आंसर करोगे, सी के साथ, या डी के साथ। तो आपके पंजाब के साथ, हमारे सबसे उत्तर में, सबसे नॉर्थ में पंजाबी आप लोगों का पड़ता है। तो यहाँ से आपके पास कौन से ऐसे दो डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि हमारे पंजाब के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। चलो भाई, बहुत अच्छा है भाई, आपके गांव का नाम है तो वेरी गुड। देखो इस क्वेश्चन का आंसर्स करके बताएं भाई सभी लोग, क्या आंसर्स मार्क करोगे इस क्वेश्चन का। यस, अब बताओ ना, आप खुद ही सोचो कि पंजाब तो सबसे ऊपर नजर आता है, नॉर्थ में नजर आता है। तो यहाँ पे हमारे राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं बताओ। गंगानगर आपको नजर आता है, हनुमानगढ़ नजर आता है। तो 19 क्वेश्चन का आंसर्स क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए बताओ। यस, होना चाहिए, श्री गंगानगर एंड हनुमानगढ़ आप लोगों का राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 20 क्वेश्चन के साथ आंसर्स को मार्क करें। व्हाट डज द संस्कृत वर्ड मारू मीन। संस्कृत शब्द मारू का क्या अर्थ है। व्हाट डज द संस्कृत वर्ड मारू मीन। संस्कृत शब्द मारू का क्या अर्थ है। इसे माइनलैंड कहते हो, डेजर्ट कहते हो, हिल्स कहते हो, रेन शेडो कहते हो, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। व्हाट डज द संस्कृत वर्ड मारू मीन। मारू शब्द का क्या अर्थ है। संस्कृत शब्द मारू का क्या अर्थ है, आंसर करो इस क्वेश्चन। सभी लोग आंसर्स करके बताएं भाई, आप लोगों के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर्स क्या जाएगा। 20 क्वेश्चन को आंसर्स करके बताएं, 20 का बी, बहुत अच्छे। तो ध्यान रखेंगे, संस्कृत शब्द मारू का अर्थ है डेजर्ट। राइट आंसर बी ऑप्शन के साथ। तो व्हाट डज द संस्कृत वर्ड मारू मीन। मारू की मीनिंग है डेजर्ट से। राइट आंसर बी ऑप्शन के साथ। आगे चलते हैं हम 21 के साथ, आंसर्स को मार्क करें। वेयर वॉज च्यवनप्राश फॉर्मुलेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार च्यवनप्राश कहाँ तैयार किया गया था,
देखो अच्छा क्वेश्चन है, हे ऋषिकेश में, कमलनाथ में, दोसी हिल में या तारागढ़ में? 21वें क्वेश्चन का आंसर मार्क करके बताओ। चालीस क्वेश्चन करा दो डेली, देखो कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। भाई पढ़ लो आप लोग पहले तो, और क्लास को शेयर कर दो। क्लास में जिस दिन 50 स्टूडेंट आ जाएंगे उस दिन आप कहोगे कि मैम 100 क्वेश्चन करा दो एक दिन में, मैं 100 क्वेश्चन भी करा दूंगी। आप देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखो क्लास में, 10-12 स्टूडेंट्स भी अच्छे से नहीं आ रहे हो आप लोग क्लास में, कैसे चलेगा बताओ ऐसे काम। वेयर वॉज च्यवनप्राश फॉर्मुलेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार च्यवनप्राश कहाँ तैयार किया गया था? आंसर्स करके बताओ इस क्वेश्चन को। 21 को आंसर्स करें भाई सभी लोग। यस 21 की बात करें तो दोसी हिल आपका राइट आंसर जाएगा भाई, बहुत अच्छे सी ऑप्शन के साथ। तो पहली बार च्यवनप्राश तैयार किया गया था दोसी हिल में, और दोसी हिल कहाँ पे है बताओ? झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है दोसी हिल, और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट को ही क्या कहते हैं? ताम्र नगरी कहते हैं, तांबे की नगरी भी हम लोग किसे कहते हैं? झुंझुनू को ही कहते हैं। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। 22 में जाने से पहले देखो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इम्पॉर्टेंट डेटा। डेजर्ट नेशनल पार्क की बात करते हैं तो डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर और बाड़मेर दोनों जगह आपको नजर आता है डेजर्ट नेशनल पार्क। आपका केवलादेव नेशनल पार्क की अगर बात करें, केवला देव जिसे नेशनल पार्क हम लोग कहते हैं, भरतपुर में नजर आता है। बुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क की बात करते हैं तो कोटा में नजर आता है। रणथंभौर नेशनल पार्क की अगर हम बात करते हैं तो रणथंभौर नेशनल पार्क आपका सवाई माधोपुर में नजर आता है। सरिस्का टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो अलवर में नजर आता है। डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर बाड़मेर में नजर आता है। केवला देव नेशनल पार्क भरतपुर में नजर आता है। मुकुंदरा हिल्स आपकी कोटा में नजर आती है। रणथंभौर नेशनल पार्क आपका सवाई माधोपुर में नजर आता है। सरिस्का टाइगर रिजर्व की बात करें तो अलवर में नजर आता है। इसी के साथ अगर हम लोग और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में चले तो धीरे धीरे करके चलते रहेंगे। इस क्वेश्चन को आंसर करके बताओ। राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच क्रॉप? राजस्थान किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है बताएं? राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच क्रॉप? राजस्थान किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है? 22वें क्वेश्चन का क्या आंसर मार्क करोगे बताएं? तो महेश जी, हैप्पीनेस जी, इंजीनियर संतोष राज जी, सभी लोग बहुत अच्छे आंसर्स के साथ भी आप लोग, आप लोगों के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाना चाहिए? तो राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच क्रॉप? राजस्थान किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है? 22 क्वेश्चन का आंसर क्या करोगे बताओ? तो देखो अगर हम 22 की बात करते हैं तो बताएं कि किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है? सोयाबीन सबसे ज्यादा होती है राजस्थान में, ऐसा आप लोग कह रहे हैं 22 का आंसर। भाई एक बार देख लेना, चेक कर लेना अगर आप इतने कंफर्म हो तो। यहाँ पे तो आंसर जा रहा है वूल, वूल का सबसे उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 23 के साथ, आंसर्स को मार्क कर। बोला गया विच राजस्थान सिटी प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग द ताजमहल बाय सप्लाइंग मार्बल? संगमरमर की आपूर्ति करके ताजमहल के निर्माण में राजस्थान के किस शहर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? क्योंकि आपको पता है भाई मार्बल के लिए हमारा राजस्थान बहुत फेमस है, और जब मार्बल के लिए हमारा राजस्थान बहुत फेमस है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि कहाँ से सबसे ज्यादा मार्बल, मार्बल के लिए सबसे ज्यादा कौन फेमस है? कहने का ओवरऑल मीनिंग ये है। 23 ए आंसर्स कर रहे हैं, 23वीं का बहुत अच्छा भाई मकराना राइट आंसर जा रहा है ए ऑप्शन के साथ, मकराना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 24वीं क्वेश्चन के साथ, आंसर्स करें। What is the name of the international railway that connects India and Pakistan? भारत और पाकिस्तान को जोड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय रेलवे का क्या नाम है? What is the name of the international railway that connects India Pakistan? India Pakistan को जोड़ने के लिए हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय रेलवे का क्या नाम है बताओ? इंडियन महाराजा डेक्कन आपका है, ऑप्शन नंबर बी को मार्क करोगे, थार एक्सप्रेस को मार्क करोगे, या डी ऑप्शन को मार्क करोगे इस क्वेश्चन में? आंसर्स करके बताएं भाई आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आंसर जाएगा इस क्वेश्चन का। 24 को सी आंसर्स करें भाई, जितने लोग भी आप सी आंसर्स करें बहुत अच्छे आंसर्स करें कि भारत को पाकिस्तान को जोड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय रेलवे का नाम है थार एक्सप्रेस। 25 के साथ चलते हैं, आंसर्स को मार्क करें। विच इज द फर्स्ट मेट्रो इन इंडिया टू रन ऑन द ट्रिपल स्टोरी एलिवेटेड रोड?
भारत में तीन मंजिला एलिवेटेड रोड पर चलने वाली पहली मेट्रो कौन सी है? तो भारत में तीन मंजिला एलिवेटेड रोड पर चलने वाली पहली मेट्रो कौन सी है? क्या ये जयपुर मेट्रो है, दिल्ली है, नम्मा मेट्रो है, गुरुग्राम मेट्रो है? तो आंसर क्या जाएगा बताओ? विच इज द फर्स्ट मेट्रो इन इंडिया टू रन ऑन द ट्रिपल स्टोरी एलिवेटेड रोड? ट्रिपल स्टोरी एलिवेटेड रोड में जो मेट्रो आप लोगों की चलती है तीन मंजिला में, इस पहली मेट्रो का क्या नाम है? आप लोगों के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाना चाहिए भाई? सभी लोग आंसर करके बताएं। महेश वर्मा जी, चेतन सिंह जी, इंजीनियर संतोष राज जी, मनीष कुमार जी, सभी लोग बहुत अच्छे आंसर्स के साथ, वेरी गुड। आप लोगों के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? ट्रिपल स्टोरी एलिवेटेड रोड में कौन सी फर्स्ट मेट्रो आपकी चलती है? जयपुर मेट्रो, क्या बात है। ऑब्वियसली देखो भाई, राजस्थान की जीके पढ़ रहे हैं तो भाई राजस्थान से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस बनेंगे, ये भी तो श्योरिटी है ना। तो आंसर्स आपका जा रहा है जयपुर मेट्रो के साथ। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट के साथ। 26 आंसर्स करके बताओ। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन राजस्थान? राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? बताएं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या जाएगा कि हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन राजस्थान? राजस्थान में कितने डिस्ट्रिक्ट आपको नजर आते हैं? आंसर्स करके बताओ कितने डिस्ट्रिक्ट आंसर्स होना चाहिए इस क्वेश्चन का। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन राजस्थान? सभी लोग आंसर्स करें भाई, इस क्वेश्चन का आंसर्स क्या जाना चाहिए? तो देखो, अगर हम राजस्थान में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 33 डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को नजर आते हैं राइट आंसर्स बी ऑप्शन के साथ। आगे चलें हम लोग 27वें क्वेश्चन के साथ। आंसर्स को मार्क करो भाई। इन राजस्थान कनक सागर इज सिचुएटेड एट विच रिवर? बताएं इन राजस्थान कनक सागर इज सिचुएटेड एट विच रिवर? राजस्थान में कनक सागर किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन बोला है कोठारी नदी पर स्थित है, मेज रिवर पर स्थित है, बनास पे स्थित है या खारी रिवर पे स्थित है? आंसर क्या जाएगा? क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान में कनक सागर किस नदी पर स्थित है? इन राजस्थान कनक सागर इज सिचुएटेड एट विच रिवर? तो आप लोगों के अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए, मार्क करें भाई। लेकिन भाई देखो, क्लास में सभी लोग बहुत ही कम प्रेजेंट है भाई, तो सभी स्टूडेंट्स क्लास को शेयर भी करें भाई, जिससे कि सभी लोग क्लास से कनेक्ट हो जाएं। आप लोगों के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? आंसर्स करके बताएं इस क्वेश्चन का। 27वें का सी आंसर्स करो कि कनक सागर इज सिचुएटेड आपका बनास रिवर में, ये किसने बोला आपको? 27वें क्वेश्चन को आंसर्स करो, कुछ भी आंसर्स कर रहे हो आप लोग भाई। पहले तो आप लोग अच्छे से कोशिश करो राजस्थान जीके को एक बार पढ़ने की। इसके लिए आपके पास RSMSSBJEE का भी कोर्स है, आप लोग कोर्स के साथ भी जा सकते हैं। आज भी ऑफर में, इनफैक्ट मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहूंगी कि आप लोगों के लिए आज का लास्ट दिन है, सारे कोर्सेज आप लोगों के लिए ऑफर में। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग कोर्स के साथ जा सकते हैं। 70-80% का डिस्काउंट है आप लोगों के लिए। SSCJEE का कोर्स तक आपका 600 में अवेलेबल है इस वक्त, और ये लास्ट चांस है आपके लिए कोर्स को ज्वाइन करने का। उसके बाद सारे कोर्सेस अनपब्लिश हो जाएंगे। तो भाई बनारस को तो आप लोग श्योरिटी से आंसर्स करें, लेकिन आंसर जा रहा है मेज रिवर, आंसर्स बी ऑप्शन के साथ। तो इन राजस्थान कनक सागर इज सिचुएटेड इन मेज रिवर। नेक्स्ट, कनक वृंदावन, कनक वृंदावन जयपुर में है, जिन्होंने इसका निर्माण कराया था वो कौन है बताएं? कनक वृंदावन इज एट जयपुर, हु मेड इट्स कंस्ट्रक्शन? तो कनक वृंदावन इज एट जयपुर, ये जयपुर में है कनक वृंदावन, और हु मेड इट्स कंस्ट्रक्शन, किसने इनका निर्माण कराया था, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। तो बताएं सवाई जय सिंह आंसर्स करोगे, सवाई माधो सिंह आंसर्स करोगे, सी ऑप्शन को मार्क करोगे या डी के साथ? आप लोगों के अकॉर्डिंग आंसर्स क्या जाना चाहिए? कनक वृंदावन जयपुर में है, जिन्होंने इसका निर्माण करवाया वो कौन थे? कनक वृंदावन इज एट जयपुर, हु मेड इट्स कंस्ट्रक्शन? बताएं भाई किसने इनका निर्माण करवाया, आंसर्स करके बताएं इस क्वेश्चन।
सभी लोग आंसर्स कह रहे हैं भाई आंसर्स क्या होना चाहिए आप लोगों के अकॉर्डिंग। सी आंसर्स को मार्क कर रहे हो 28 का, बी को आंसर्स कर रहे हैं सवाई माधोपुर माधो सिंह। भाई सोचो और समझो और आंसर्स करके बताओ इस क्वेश्चन। तो कनक वृंदावन जयपुर में है, इसका निर्माण कराया गया था सवाई जयसिंह के द्वारा। राइट आंसर्स किसके साथ जा रहा है? सवाई जयसिंह आंसर ए ऑप्शन के साथ। तो कनक वृंदावन वृंदावन जयपुर में है, इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ राजस्थान कोऑपरेटिव कंज्यूमर स्टोर इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? राजस्थान सहकारी उपभोक्ता भंडार का मुख्यालय राज्य में कहाँ स्थित है? तो राजस्थान सहकारी उपभोक्ता भंडार का मुख्यालय उदयपुर में स्थित है, अजमेर में स्थित है, जोधपुर में स्थित है या जयपुर में स्थित है? क्या आंसर होना चाहिए बताओ इस क्वेश्चन का। राजस्थान सहकारी उपभोक्ता भंडार, वेयर द हेडक्वार्टर्स ऑफ राजस्थान कोऑपरेटिव कंज्यूमर स्टोर। भाई सभी लोग बहुत अच्छे आंसर्स करते हुए, वेरी गुड वेरी नाइस, गिव इट अप। आप लोगों के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए मार्क करके बताएं सभी लोग। आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आंसर जाना चाहिए? आंसर्स करें भाई। वेयर द हेडक्वार्टर्स ऑफ राजस्थान कोऑपरेटिव कंज्यूमर स्टोर इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में नजर आता है सहकारी उपभोक्ता भंडार का मुख्यालय? 29 का सी आंसर्स कर रहे हो आप लोग। देखो 29 की बात करें तो भाई जयपुर राजस्थान की कैपिटल है, मैक्सिमम चीजें आपको यही नजर आती है। राइट आंसर्स डी ऑप्शन के साथ। तो ध्यान रखेंगे, राजस्थान कोऑपरेटिव कंज्यूमर स्टोर इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? कौन सा, इन विच डिस्ट्रिक्ट? आपका जयपुर आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आंसर्स को मार्क करो। विच प्लेस हैज बीन सेलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश इंडस्ट्रियल पार्क फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन? राज्य सरकार द्वारा निर्यात प्रोत्साहन हेतु औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु किस स्थान का चयन किया गया बताओ। Which place has been selected by state government to establish industrial park for export promotion? तो export के promotion के लिए राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक पार्क की स्थापना की गई है, इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना करी गई है। तो ये भीलवाड़ा में है, जोधपुर में है, जयपुर में है या उदयपुर में है? आंसर्स करें। निर्यात प्रोत्साहन हेतु औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु किस स्थान का चयन किया गया है? आंसर्स करो। तो बंदर जी, प्रेरणा जी, इंजीनियर संतोष राज जी, सभी लोग आप बहुत अच्छे आंसर्स कर रहे हो, वेरी नाइस। आप लोगों के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? 30th क्वेश्चन बताएं। तो निर्यात प्रोत्साहन हेतु जो औद्योगिक पार्क की स्थापना की गई है, आंसर्स आप लोगों का किसके साथ जाना चाहिए? सभी लोग आंसर्स करें भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? तो देखो, अगर आप लोगों से बोला जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कौन सा ऐसा इंडस्ट्रियल पार्क है जो कि एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए, निर्यात को प्रोत्साहन करने के लिए स्थापना की गई है, तो उदयपुर में नजर आता है। नो आइडिया, बताओ भाई। देखो, एग्रो फूड पार्क, सीज, इन सब की स्थापना कहाँ पे की गई है? ये सब औद्योगिक पार्क ही तो है आपके, और किस चीज के लिए? निर्यात को प्रोत्साहन करने के लिए ये पार्क एस्टैब्लिश किए गए। तो आंसर्स करके बताओ। तो देखो, यहाँ पे आंसर जा रहा है आप लोगों का, अगर हम निर्यात प्रोत्साहन हेतु औद्योगिक पार्क की स्थापना बोलें तो हमारा आंसर जाएगा जयपुर के साथ, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखेंगे, निर्यात प्रोत्साहन हेतु औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु किस स्थान का चयन किया है? जयपुर का किया है। तो यहाँ पे आप लोगों के 30 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो होप तो आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखो, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देखो, राजस्थान जीके को पढ़ने के लिए आपको पता है डिग्री लेवल का एग्जाम 80+40 है। तो देखो, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे आप लोग। 5 मिनट में आप लोगों को बताना चाहूंगी कि एक्चुअल में क्या क्या चीजें कैसे कैसे आपने पढ़नी है। देखो, 80 मार्क्स का टेक्निकल है आप लोगों का, 40 मार्क्स का नॉन टेक है।
80 मार्क्स में से अगर आप क्लास को ढंग से लेते हैं, मॉर्निंग की और शाम की क्लास को ढंग से लेते हैं, आप मान के चलो इसमें से 75 नंबर आपके कहीं नहीं गए, 75, चलो दो तीन क्वेश्चन अगर गलत हो गए तो हो गए। नो नेगेटिव मार्किंग एक सबसे बड़ा एडवांटेज है, साथ ही साथ डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के तुक्के भी लग जाते हैं, तो नंबर अच्छे आ जाते हैं जिससे कट ऑफ आपकी हाई चली जाती है। तो 80 में से 75 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए अगर आप क्लासेस को बहुत अच्छे से लेते हो, मॉर्निंग और शाम की क्लास को अगर आप अच्छे से लेते हो तो 80 में से 75 आ जाएंगे। अब बात आती है 40 मार्क्स की, 40, ये 40 आपके कौन से मार्क्स हैं, ये 40 मार्क्स आप लोगों के राजस्थान जीके के हैं। राजस्थान जीके में अगर आपने इस ये जो लास्ट महीना चल रहा है, ये अगस्त के महीने को अगर आपने अच्छे से यूटिलाइज कर दिया, क्योंकि एग्जाम अब ऑन टाइम ही होगा, वैसे ही देखो 12 सितंबर को हो रहा है, 7 से 8 महीना लेट हो गया एग्जाम, तो 40 मार्क्स के राजस्थान जीके में अगर आप डेली यहाँ से 1 घंटा क्लास ले रहे हो और खुद से 2 घंटे भी आप क्वेश्चंस लगा रहे हो, थोड़ा सोचते समझते हुए लगाओ, क्योंकि देखो सिर्फ क्वेश्चंस लगाने से नहीं फ्लो बन पाता है, थोड़ा सा थ्योरी भी पढ़ो। जब थ्योरी पढ़ोगे ना, एक थ्योरी को पढ़ने में चाहे आपका 1 घंटा जरूर लगेगा, लेकिन वहां से जो क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे ना, वो आप कभी नहीं भूलोगे। अगर सिर्फ आप क्वेश्चंस के ऊपर बैठ जाओ और सिर्फ बुक को लेके आप क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करो तो भूल जाओगे, अगर ये क्वेश्चन नहीं आए तो फिर तो आंसर्स कर ही नहीं पाओगे वहां पे। तो 40 में से आपकी पूरी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए कि 25-30 स्कोर कर लें, बस यहाँ से अगर आपने 25-30 स्कोर कर लिया, यहाँ से 75 कर लिया, फिर आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। और ये 25 से 30 लाना भाई एक बहुत बड़ी महाभारत है, और इस महाभारत को आप तभी इस महाभारत में अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाओगे जब आप उतनी ही अच्छे से पढ़ाई करोगे। कितने बजे होती है राजस्थान जीके भाई, यहाँ पे आप लोगों को 10 से 11 तो टेक्निकल चल रहा है, और 11 से 12 डेली आपकी टाइमिंग रहेगी, और इस क्लास को 1 मंथ तक तभी कंटिन्यू रखा जा सकता है जब रिस्पॉन्स ऐसा रहेगा कंटिन्यू रखने लायक। अब आप ही क्लास में प्रेजेंट नहीं रहोगे, 2-4 स्टूडेंट्स रहेंगे, तो खुद ही सोचो ना, 2-4 स्टूडेंट्स के लिए फिर कहाँ इतना सोचा जाएगा बताओ। तो आप लोग ध्यान रखें, आपकी डेली जो टाइमिंग आपको नजर आएगी वो 11 से 12 ही नजर आएगी, आप 11 से 12 क्लास को जरूर ले डेली, और जब अगर 11 से 12 आप लोग डेली क्लास को लोगे और खुद से 2-3 घंटे राजस्थान जीके को दोगे तो 40 में से 25-30 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से लेके आओगे। और नहीं तो आप देखोगे, अगर हम बात करें अभी जब डिप्लोमा का और डिग्री का दोनों का एग्जाम हुआ था, तो आप लोग 40 में से 7-8 नंबर लाने तक मुश्किल हो गए थे भाई। नो नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये थोड़ी ना कि आप लोग टिक सही मार लो, 4 में ऑप्शन में 1 को सही मार्क करने की जो प्रायोरिटी रहती है, अगर आपको उसका आंसर नहीं पता है तो 90% ये चांसेस रहते हैं कि आंसर गलत ही लगेगा, उसमें से सिर्फ 10% चांस रहते हैं कि आप शायद तुक्का सही लग जाए, और देख लो आप लोग 7-8 नंबर लाने मुश्किल हो गए, जिसकी वजह से कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाई, अदरवाइज कट ऑफ इतनी है भी नहीं कि आप लोग नहीं ला सकते थे, समझ पा रहे हैं? तो डिग्री लेवल वालों के पास अच्छा चांस है, इस चांस को अच्छे से भुनाओ आप लोग, इस चांस को आपने अच्छे से यूटिलाइज करना है, अच्छे से राजस्थान जीके को प्रिपेयर करना है। आज की क्लास को यहीं पे ओवर रखते हैं, इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन आपका रिस्पॉन्स भी अच्छा होना चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।